जो स्टेज पर बैठे हैं, थोड़ा जरूरी ऐलान है आपके लिए कि जो भी मुनाजिर या मुआविन है बरेली की तरफ से या जमंदी की तरफ से, आप लोगों एक सदर का नाम हम लोगों कमेटी को दे दो। जो कमेटी उनसे जहां परेशानी होगी, क्या सदर का होना जरूरी होता है, इसलिए दोनों मतलब के मंच पर मौजूद दोनों मकतबे फिक्र के हजार और दूर दूर से आए हुए दोनों मकतबे फिक्र के पैरोकार आपके सामने उसके जायजे के लिए हमारे इस ब्लॉक के बलरामपुर प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मजिस्ट्रेट के रूप में उपस्थित हैं। उन्होंने जो तैयारी की है इस राजा के संचालन के लिए वो आपने अपने शब्दों में रखेंगे। आदरणीय उपस्थित सज्जन प्रेम, बाहर से आए हुए हमारे विद्वान मौलाना साहब, आज बड़े हर्ष की बात है कि यहाँ अनवर साहब और जावेद साहब दोनों के द्वारा जो है मुनाज़रा का जो है आयोजन किया जा रहा है। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी के हैसियत से सर्वप्रथम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ साथ यह भी विनती करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, आप लोग जो बाहर से आए हुए हैं और यहाँ जो बाहर से विद्वान लोग जो मंच पर हैं उनके द्वारा जो वक्तव्य किया जाएगा, आप लोग इस सौहार्दपूर्ण वातावरण में जो है उनके वक्तव्य को शांतिपूर्वक सुनेंगे और यहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखेंगे। हम लोगों की तरफ से जो भी होगा हम लोग कोशिश करेंगे, जो भी कष्ट आप लोगों का होगा उसमें मदद करने का कष्ट करेंगे। पुनः मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि यहाँ जो है शांतिपूर्वक जो है अपना जो है सुनेंगे और जो है इसके बाद जो है अपने जगह पर जाएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी बलरामपुर की तरफ से जो वो खुद मन पर आकर के आपसे मुखातिब हुए, आपके रूबरू हुए और जितनी भी शक्ति जितनी भी ताकत उनके साथ हमारे बलरामपुर प्रखंड के बड़े बाबू उनके साथ जितने भी प्रशासनिक लोग बंदूकधारी लोग लाठीधारी लोग यानी कि हमारे अनुमंडल के एसडीओ साहब से लेकर के डीएसपी इंस्पेक्टर सभी के साथ इंतजामिया कमेटी की गुजारिश पर आज आपके सामने मौजूद हैं और हमें आश्वासन तसल्ली दे रहे हैं कि जितने भी संभव प्रयास गुंजाइश होगी वो हमें मदद करेंगे। मैं कमेटी की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तमाम पदाधिकारियों से और हौसला अफजाई के लिए और हमेशा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आप तमाम आने वाले लोगों से दोनों मतलब फिक्र के लोगों से गुजारिश है कि जगह काफी बड़ी है,
आप तमाम लोग अपने अपने मतलब फिक्र के पंजाबों में आकर के कहीं भी जाकर के जगह लेकर के बैठ सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी खामोशी हम लोग की कामयाबी होगी, आपकी तामुर आपकी दुआ हमारे साथ होनी चाहिए। आप तमाम हजार से मैं बार बार कमेटी की तरफ से गुजारिश कर रहा हूं कि हमारे हजारों वॉलंटियर्स लगे हैं आपकी खिदमत के लिए, सैकड़ों पुलिस लगे हैं आपकी खिदमत के लिए, और रास्ता पर जाम ना करें, किसी को कोई तकलीफ ना पहुंचे। किसी बात की जानकारी अगर लेनी हो तो हमारे चार ऑफिस है हाट के अंदर में पिंजाल के बगल में, आप उनसे संपर्क कर, आप उनसे रास्ता कर, कोई भी समस्या का कोई भी मामला का हल ढूंढ सकते। सिर्फ गुजारिश यह है कि आप मुतमईन इत्मीनान होकर के हमारे मुनाज़रा प्रोग्राम को सुने और आपकी बर्दाश्त खामोशी के लिए हम सब कमेटी के लोग शुक्रगुजार हैं और उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम लोग ये मुनाज़रा को कामयाब जरूर कराएंगे। बड़े बड़े उलमा दोनों तरफ से आए हुए हैं, बड़े बड़े मुनाज़िर हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग हैं, सभी दुआ हमारे इंतजामिया कमेटी के साथ है। इंशाल्लाह ताला हम जरूर कामयाब होंगे और इत्मीनान के साथ होंगे। और दोनों मकबरे से बरेली और जयबंदी सेक्रेटरी मोहम्मद जोर सल्लर साहब और जावेद आलम साहब दोनों स्टेज पर आकर फौरन कमेटी हाजी मोहसिन साहब से आप रास्ता काट गए, कुछ बातें हैं आपसे करनी है और वक्त बहुत कम है। और अपने अपने उलमाओं से आप लोगों से भी गुजारिश है कि सब जिर पैरोकार हैं, शांति बनाए रखें और प्रशासन के लोगों से सशस्त्र बल और चौकीदारों से भी है कि थोड़ा मुआयना करें, स्टेज के अगल बगल में कोई व्यर्थ न घूमे, कोई ना बैठे, कोई हल्ला गुल्ला शोर ना मचाए। अगर कोई भी व्यक्ति कोई भी आदमी स्टेज के पिंडाल के इर्द गिर्द अगर शोर शराबा मचाता है, किसी भी तरह की अगर कोई वो परेशानी खड़ा करता है तो प्रशासन उससे सख्ती से निपटेगा, वो उनके जिम्मेदार खुद होंगे, ना कमेटी जिम्मेदार होंगे ना उन्होंने जिम्मेदार होंगे। मैं ये बार बार कह रहा हूं, आप सुनने के लिए आए मुनाज़रा, आप इत्मीनान से बैठ के सुने और समझे और जाने। आप चलते फिरते रहे बैठे करके मुनाज़रा का रुझ उठा, ये अरसों से हम लोगों ने एक छोटी सी कोशिश की आपकी मदद से, ये प्रयास था हम लोगों का एक मुनाज़रा करवाने का, ये साहस आप ही से मिला, आप ही के दौर का असर है, अल्लाह ने हम लोगों को वो मौका नसीब किया। बस आज से जो शुरू होगा मुनाज़रा 3 दिन लगातार आप लोग आए सुने जाए। पिंडाल वाले रजू भाई से गुजारिश है कि जनाब माइकी का नियम लगवा दें, रात से दो फरीकों से गुजारिश है जो स्टेज पर बैठे हैं, थोड़ा जरूरी ऐलान है आपके लिए कि जो भी मुनाज़िर या मुआविन है बरेली की तरफ से या जवंदी की तरफ से, आप लोगों एक सदर का नाम हम लोगों कमेटी को दे, जो कमेटी उनसे जहां परेशानी होगी जो समझने की बात होगी आपके सदरों से हम लोग समझें पूछे। सरकार कमेटी के सेक्रेटरी साहब जो आप लोगों से गुजारिश की, उस सिलसिले में मेरा कहना है कि चूंकि हर प्रोग्राम को चलाने के लिए या उसको सुचारू से उसका संचालन के लिए एक अध्यक्ष या सदर का होना जरूरी होता है, इसलिए दोनों मकतबे फिक्र के स्टेज पर बैठे हुए हजार से गुजारिश है कि वो अपने अपने मकतबे फिक्र के एक एक सदर का नाम मुश्तका इंतजामिया कमेटी के स्टेज में मौजूद हजार के सपोर्ट कर दें, ताकि कोई भी सवाल या किसी तरह की परेशानी का हल उनसे ही रास्ता काम कर निकाला जा सके।
मौजूद है पर उनका नाम हमें मालूम नहीं है, इसलिए एक कागज में लिखकर देने की कोशिश करेंगे। हजरत मुहद्दिस मुहद्दिसे कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफा कादरी साहब सदर मुनाजरा मलिकपुर हाट मुंतखब किए गए और बरेलवी मकबूल फिक्र के हकम मुफ्ती अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हसन मंजर साहब ये हकम की हैसियत से स्टेज पर कमेटी के पास है। कि मुनाजरा का आगाज या मौजू की शुरुआत प्रत्येक मौजू पर बहस पहले किससे शुरू किया जाए। दोनों सदर हजरात से यह गुजारिश है कि हम लोगों को सलाह दें। हमसे मुनाजरा कमेटी की तरफ से मुतालबा हुआ है कि किस तरफ से आगाज पहले किया जाए, तो इस सिलसिले में ये सवाल मैं समझता हूँ कि शरायत मुनाजरा में ही इसका जवाब ना हो, इसलिए कि इसमें ऐसे बच्चे इस लाइन में चैलेंज करने वाली जमात में शुमार किया गया, जो चैलेंज करता है उसी की तरफ से बात होती है, इसलिए मुनाजरा कमेटी से हमारी दरख्वास्त है कि हमारी इस बात पर अच्छी तरह गौर करके अब हमें इजाज़त दें कि हम अपने मुनादि का ऐलान करें और मुनादरे का आगाज करें। अच्छा, मौजू के बारे में भी बिल्कुल साफ और सही बात है कि मौजू के मुनादरा जो उधर से लेकर आया था मिन अन मुनादरा के मौजूदात और दीगर शराय को तरह तय करने वालों ने जिस तरतीब से मौजू लिखा है उसी तरतीब से बात आगे बढ़ी, इसलिए एक नंबर जो है उस पर बात होगी, फिर उसके बाद दूसरे नंबर इलाज रहेगी। तो मैं अपना मशवरा कमेटी के सामने पेश कर रहा हूँ कि चैलेंज करने वाले को पहले बहस करने का हक होता है कि वो मुद्दती है और मौजू मुनाजरा की तरतीब जिस अंदाज में रखी गई है उस तरतीब को मजबूत रखना भी जरूरी है। इस एतबार से मुनाजरा कमेटी मेरी बात पर गौर कर लें और जल्द से जल्द हमें इजाज़त दें कि मुनाजरे का आगाज आप लोग सब जो कमेटी वाले वैसे रहिएगा तो कैसे काम चलेगा भाई, आप भी लोग तो बजाय लगा। आप आवाम से गुजारिश है कि आप किसी भी तकरीर में नाराबाजी या शोरबाजी तो जरा कुछ ना करें, बड़ा मेहरबानी।
किसी तरह का कोई आवाज नहीं होना चाहिए, नहीं तो शराय भी मर सकते हैं आप, सुना भी दिया जाएगा आप लोगों को। इसलिए ये इंतजाम आपके लिए क्या किया है, ये आपके लिए है,
आपकी पूरी तवज्जो चाहता हूँ। किसी भी तरह की आप लोग परेशानी बोल रहा क्योंकि पुलिस प्रशासन बोले थे सब आपके इर्द गिर्द है, तो इसलिए तमाम हजार से गुजारिश है कि आप हम उसे तैयार किए किसी के भी स्पीच पर तकरीर पर नारेबाजी ना करें, बड़ा मेहरबानी होगी। विधि बाकी का कार्यक्रम हाजी मोहसिन साहब को कमेटी के सदर है उनसे सुनिए। सामीन हजार से गुजारिश है और सख्ती से ये गुजारिश है कि सर्व नंबर 11 में साफ तौर पर लिखा गया है कि इंतजामिया कमेटी या महकमा की तरफ से ये वादे किया जाता है कि गुफ्तगू शुरू होने से खत्म होने तक मजमा और इसके आसपास में किसी किस्म की नाराबाजी, ताली लगाना, आपस में छुओ जला करना, अलगर हर ऐसे काम करने से परहेज करें जो शोरी को हंगामा का सबब हो। अगर कोई ऐसा करते हुए पाया गया तो अमन और सुकून का ख्याल करते हुए उससे सख्ती से निपटा जाएगा। इसलिए आप तमाम स्वामी हजरात से गुजारिश है कि आप लोग सिर्फ सुनने का हक रखते हैं, समझने का हक रखते हैं, ताली बजाने का हक नहीं रखते, किसी के पक्ष में नाराबाजी करने का हक नहीं रखते। देवंती मक्के में फिक्र के उलमा हजरात से गुजारिश है कि आपको 5 मिनट का वक्त दिया जा रहा है जिसके तहत आप कुरान करीम की तिलावत करें। आप लोग बहुत इत्मीनान के साथ तशरीफ रखते हैं, किसी किस्म का शोर हंगामा तालियां लगाना ऐसा ना करें, यह कानून शुरू है और वो शख्स आ गया है। आपको बहुत अच्छी सी का सबूत है। इसका आगाज करने के लिए मैं नामनामी पेश कर रहा हूँ जनाब मौलाना कारी मंसूर आलम साहब का। कारी मंसूर आलम साहब ने तशरीफ लिया है और तिलावत कलाम पाक से इस मजलिस का आगाज करना है।
उन्होंने अब अपना अपनी रुनुमाई करवाई, उन्होंने मैं
है। ये बात मैं इसलिए कमेटी से अर्ज कर रहा हूँ कि आइंदा इस चीज पर बहुत नजर रखें, सदर का जवाब सदर दें और नाबी का जवाब नाबी। अब मैं अपनी तरफ से सदर से अल्लामा मौलाना आरिफ अली अहमद साहब से गुजारिश करता हूँ कि ग्राम से दुरान हकीम जल्द से जल्द करके पाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف Thank you.
बैठकर और हम लोगों की कमेटी के सारे लोग बैठकर
दुकानदाराज से ये तय पाया है इसे इस स्टेट से दोनों भर के वो सुना देना हम लोगों के लिए हम कमेटी वालों के लिए लाजमी है। जो हम लोगों ने इस मुनाजरे के फैसले पर तय किया है मैं चाहूंगा दोनों परिगण के हजरात से कि वो सर्वसम्मति से संयुक्त कमेटी ने दोनों पक्षों पर निम्न शर्तों के तहत मुनाजरा का संचालन एवं समापन के लिए लागू किया। जो शर्तें निम्न है विगत 6 मार्च 2005 की बैठक में पारित मौजूदा में से हर एक मौजू पर दोनों पक्षों के से दोनों पक्षों के स्पष्ट जवाब पर ही फैसला किया जाएगा। कुरान व हदीस की रोशनी में कमेटी जिस पक्ष के जवाब से संतुष्ट होगी कमेटी ही उसके जीत व हार का ऐलान करेगी और कमेटी हारने वाले पक्ष से लिखित रूप में इकरारनामे पर इकरार करने की बात कलमबंद कर लेगी। यदि बड़े पक्ष की हार होती है तो मोहम्मद नूर सरवर सेक्रेटरी बरेली के मतलब अध्यक्ष निम्न 3 बरेली उन्माओं से लिखवा कर देंगे। उन 3000 का नाम इस प्रकार है मौलाना मोहम्मद गुलाम यासीन साहब मौलाना मोहम्मद इमाम अख्तर साहब मौलाना मोहम्मद मुफ्ती मोहम्मद हकीमुर रहमान साहब। यदि देवबंदी पक्ष की हार होती है तो मोहम्मद जावेद आलम निम्न 3 देवबंदी उलमाओं से लिखवा कर देने के लिए जवाबदेह होगा। उन उलमाओं का नाम इस प्रकार है मौला इकबाल साहब मुफ्ती निसार खाली साहब मौला मोहम्मद मंजूर साहब। लिखित लेने का सारा काम स्टाफ पेपर पर होगा। सामीन हजार से ये गुजारिश है कि पहले जो स्टेज से आप लोगों से गुजारिश की गई उसको मैं दोबारा फिर कह दूं कि आप लोग दोनों पक्ष के सामीन कहीं भी चूहो चरा ना करें नाराबाजी ना करें ताली ना लगाए इसलिए कि इससे हमारे जो इंतजाम कमेटी के वॉलंटियर्स हैं या प्रशासन में जो लोग हैं वो आपके साथ सख्ती से पेश आएगा उसका जवाब है कमेटी नहीं होगी आप उसका जवाब दे खुद होंगे। आप कमेटी हफ्ते नदी की देवबंदी से गुजारिश करती है कि मौजूद आपके पहले मौजूद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है या नहीं पुरानी हदीस कुरान और हदीस की रोशनी में और शरायत के मुताबिक सामीन के साथ सामने अपनी बात रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम देवबंदी मकतबे फिक्र के सदर की हैसियत से देवबंदी मकतबे फिक्र के मुनाजिर की हैसियत से हजरतुल्लाह मौलाना सैयद ताहिर हुसैन साहब बयानी दामतुल्लाह का नाम मैं पेश करता हूँ। वो आकर गुफ्तगू यहाँ फरमाए और मुनाजरे का कुरान पाक की तिलावत के बाद और फिर उनकी गुफ्तगू से यह आगाज होगा। हजरत मौलाना सैयद ताहिर हुसैन साहब बयानी
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد कमेटी मुनाजरा कमेटी के अरकान और जनाब हकम दोनों फरीक के सदर मुहतरम मोहतरम उलमाए किराम इस वक्त मुनाजरे के सिलसिले में आगाज करने का मुझे हक दिया गया है और इसी जिम्मेदारी को अदा करने के लिए मैं आप सबके सामने खड़ा हूं। मुनाजरा कमेटी ने और दोनों तरफ के जिम्मेदार उलमा ने शराइत मुनाजरा और मौजूद मुनाजरा तहरीर किए हैं, तय किए हैं और शराइत और मौजू के दायरे ही में दोनों फरीक को गुफ्तगू करनी है। तो चूंकि शराइत मुनाजरा की कापी मेरे पास भी मौजूद है, पांच शराइत की तरफ मुझे खसूसियत से मुतवज्जे करना है ताकि हकम हजरात और दीगर उलमाए किराम उसकी पाबंदी दोनों फरीक से कराएंगे और अगर मैं भी उससे इधर उधर हटने लगूं तो उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो मुझे भी पाबंद करेंगे। मुनाजरे की एक दफा है, दफा नंबर 12। मैं चाहूंगा कि मुनाजिर और सदर मुहतरम और कमेटी के जिम्मेदार हजरात इस पर जरा एक बार और निगाह डाल दें ताकि ये शर्त भी इस वक्त मुस्तहकर है। शर्त नंबर 12 है, पहले असल मसले पर कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू होगी, उसके बाद किसी शख्सियत के अधिकार पर बहस होगी। मौजूद मुनाजरा के सिलसिले में अपने मौकफ को साबित करने के लिए जरूरी होगा कि हर मुनाजिर कुरान मुकद्दस और हदीस पाक को दलील के तौर पर पेश करेगा या अगर उस मुनाजिर के मौकफ पर दूसरा फरीक कोई हदीस या कोई कुरान मुकद्दस की आयत बतौर शुभे और इश्काल के पेश कर रहा है तो उस शुभे को दूर करेगा। किसी शख्सियत या किसी फरीक की किताब के हवाले से कोई बात शुरू में नहीं होगी। जब मसला साफ हो जाएगा और हदीस और कुरान से एक फरीक का मौकफ वाज़ेह हो जाएगा तो उसके बाद फिर यह हक पहुंचेगा कि हदीस और कुरान से जब मौकफ वाज़ेह हो गया और मसला इतना तक सामने आ गया तो फिर दूसरे फरीक की किताब से अगर कोई शुभा कोई इश्काल पैदा होता है उस मौकफ पर तो फिर वो किताब या वो शख्सियत बहस में आएगी। लेकिन ये मरहला जब आएगा कि जब पहले मसला कुरान मुकद्दस से और अहादीस मुबारका से साबित हो जाए, वाज़ेह हो जाए। अब मौजूद मुनाजरा के सिलसिले में सबसे पहले
مستقر کر لیں کہ گفتگو اسی موضوع کے دائرے میں ہی ہوگی اور اس موضوع سے ہٹ کر کوئی فریق کسی طرح کی کوئی گفتگو نہیں کرے گا. اگر کوئی حل سے مبحث کرتا ہے تو دونوں فریق کے صدر حضرات کی ذمہ داری ہوگی اور کمیٹی کی اور ختم کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ پر وقت دور دے اور پابند بنائے کہ مناسب موضوع کے اندر ہی بات کرے, خلط مبحث نہ کرے تاکہ مسئلے کی تہ تک پہنچنے میں اور حقیقت کا سراغ لگانے میں نہ الجھن پیش آئے اور نہ زیادہ وقت ضائع. نمبر ایک موضوع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا نہیں. اس موضوع کے سلسلے میں میں اپنا موقف اور اپنی جماعت کا موقف قرآن مقدس اور حدیث پاک کی روشنی میں واضح کر دیتا ہوں. ہمارا موقف, ہماری جماعت کا موقف قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں یہ ہے کہ آئے جہاں سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے آخری پیغمبر ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا عقیدہ اہل سنت والے جماعت کے یہاں ضروریات دین میں سے ہے. دین کی ایسی بدیہت بدیہی اور واضح حقیقتوں میں سے ہے کہ اس کے نہ ماننے اور اس کا انکار کر دینے کے بعد کوئی شخص مسلمان نہیں رہ سکتا ہے. اگر کوئی جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتا تو اس شخص کے مسلمان ہونے کو ہم تسلیم نہیں کرتے, اس لیے کہ یہ عقیدہ قرآن اور حدیث نے اتنا واضح کر دیا ہے کہ ہر مسلمان کو اس کا علم ہے اور ہر پڑھا لکھا اور ان پڑھ مسلمان ہی اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ سرور کائنات آئے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا اقرار کرے, اس عقیدے پر یقین رکھے. الحمدللہ تعالی ہمارا اور ہماری جماعت کا موقف بالکل کھلا ہوا اور واضح ہے اور اس میں ایک فریق کی حیثیت سے کیونکہ اس موضوع میں میں ایک فریق ہوں, ایک فریق کا ترجمان, اس لیے میں واضح طور پر اور کھلے لفظوں میں اپنا موقف بیان کرنے کا حق فریق کو ہوتا ہے. کوئی اپنا نظریہ, اپنا عقیدہ اور اپنا موقف واضح کرتا ہے, دوسرے فریق کا موقف دوسرا فریق نہیں متعین کر سکتا. اس لیے میں دوسرے فریق کا عقیدہ کیا ہے, ان کا موقف کیا ہے, کیا وہ کہنا چاہتے ہیں اس سلسلے میں نہیں کر سکتا, یہ وہ خود واضح کریں گے اور بتائیں گے. لیکن اس موضوع کے سلسلے میں جو نمبر ایک پر موضوع ہے اس میں ایک فریق ہونے کی حیثیت سے میں نے اپنا موقف واضح کر دیا. قرآن مقدس سے بھی, احادیث مبارکہ سے بھی, امت کے اجماع سے بھی اور عقل اور قیاس کی روشنی میں بھی عقیدہ یہی ہے, یہی ہونا چاہیے کہ ہمارے آقا اور مولا سرور کائنات
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سلسلے نبوت کو اللہ تبارک و تعالی نے بند کر دیا ہے, موقوف کر دیا ہے. اس لیے آپ سلسلے رسالت کی آخری کڑی ہیں اور قصر نبوت کی آخری اینٹ ہے. اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے محل کو اور قصر کو اس آخری اینٹ پر مکمل فرما دیا ہے. اور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں متعدد احادیث میں اس سلسلے کی احادیث اتنی زیادہ ہیں کہ محدثین نے, اکابر علماء محققین نے ان کو متواتر مانا ہے, قطعی مانا ہے. دلائل کے سلسلے میں جب مطالبے ہوں گے اور اس وقت میں انشاءاللہ حدیث قرآن مقدس کی آیات اور احادیث مبارکہ تفصیل کے ساتھ آپ سب کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ اس عقیدے کے پیچھے جو قرآن کی صراحتیں ہیں, احادیث پاک کی وضاحتیں ہیں اور اہل سنت والجماعت کی تصریحات ہیں اور امت کا اجماعی فیصلہ ہے, وہ ایک ایک کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اگر فریق مخالف کو ہمارے اس موقف سے انکار ہوگا, اتفاق نہیں ہوگا, اگر فریق مخالف کا عقیدہ کچھ اور ہوگا, تو یہ حق انہیں پہنچتا ہے کہ وہ اپنا موقف متعین کرے اور اس سلسلے میں ان کا کیا عقیدہ ہے یہ وہ واضح کریں. ان کے عقیدے اور ان کے موقف کو میں ڈر نہیں کرتا, اس لیے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے. ہاں اگر وہ اس عقیدے سے اتفاق کرتے ہوں اور کسی عقیدے کا اعلان کرتے ہوں تو اس سلسلے میں ہمارا ان سے مطالبہ ہوگا کہ حدیث پاک میں کچھ ایسی باتیں بھی آئی ہیں جو اس عقیدے سے ٹکراتی ہوئی بظاہر نظر آتی ہیں, تو جب ان کا بھی موقف یہی ہوگا اور وہ بھی اسی سے انتفاق کریں گے تو فریق مخالف سے ہمارا پہلا مطالبہ ہوگا کہ ان حدیثوں اور روایتوں کے بارے میں جو بظاہر اس عقیدے سے ٹکراتی نظر آتی ہیں ان کے بارے میں وہ اپنی وضاحت پیش کریں گے کہ ان حدیثوں کا کیا ان کے نزدیک مطلب ہے اور وہ کیا جواب رکھتے ہیں. اس سلسلے میں تفصیل میں تفصیل ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں. یہ قرآن مقدس کی ممتاز ترین اور معتمد تفسیروں میں سے ہے. صاحب تفسیر ابن کثیر سورہ طلاق کی آخری آیتوں کے تفسیر کے دائرے میں ایسی روایتوں کا ذکر فرماتے ہیں جس سے اس عقیدے کے سلسلے میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے اور یہ شک لگ جاتا ہے کہ اللہ کے پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کیسے ہوں گے. جب یہ بات بھی حدیث میں ہے تو اس حدیث پاک کا کیا جواب ہوگا. وہ حدیث جو بظاہر حدیثوں میں تو ٹکرا پیدا ہونے والے اس کال کو دور کرنے کی کوشش کریں گے, اس صورت میں جبکہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر سرور کائنات آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوں گے. اگر ہمارے موقف سے
इंसाफ होगा तो फिर वो जवाब देंगे। और हां, अगर उनको इस नौकरी से इत्तेफाक ना हो, वो कोई और अकीदा रखते हो, तो फिर वो उसकी वजाहत करेंगे कि हमारा यह अकीदा है और हम उनके अकीदे से इत्तेफाक नहीं करते। वही आए इसको मुहद्दिसीन ने तस्दीक के साथ नकल किया है, और जो इस अकीदे पर शुभा पैदा करती है वो ये तफसीर इब्न कसीर ने अल्लामा मुहद्दिस हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं। मैं उन्हें पढ़कर सुना दे रहा हूं ताकि मेरी बात का फसल महसूस करे और कोशिश करे कि कुरान और हदीस के दायरे में बात हो और कुरान हदीस से गुरेज न करने पाए। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहुल्लज़ी खलक सबअ समावाति ومن الارض مثلهن, इस आयत मुबारका की तफसीर में हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से एक रिवायत नकल फरमाते हैं। फरमाते हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से ये रिवायत नकल की गई है। وقال ابن جرير حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى سبع سماوات ومن الأرض مثلهن قال لو حدثتكم بتفصيلها لكفرتم وكفركم تكذيبكم بها. وحدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب بن عبد الله بن سعد الكمي الاشعري عن جعفر بن ابي مطية الخزاعي عن سعيد بن جبير قال قال رجل لابن عباس الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن الآية. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما يؤمنكم من الخبر إن أخبركم بها فستكفروا وقال ابن جرير حدثنا عبد بن علي ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مره عن ابي الزهراء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذه الايه الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن قال عمرو قال في كل ارض مثل ابراهيم ونحن ما على الارض من الخلق. فقال ابن المثنى في حديثه في كل سماء ابراهيم. وروى البهقي في كتاب الاسماء والصفات هذا الاثر عن ابن عباس بابسط من هذا. فقال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثنا احمد بن يعقوب قال حدثنا عبيد بن غلام اللقي قال اخبرنا علي بن حكيم قال حدثنا شريك عن عتائب السائب على ابي الزهى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن على سبع ارض في كل ارض نبي كنبيكم وادم كادمكم ونوح كنوح وابراهيم كابراهيم وعيسى كعيسى. ثم رواه البهقي من حديث الارض مثلهن قال في كل عهد نحو ابراهيم عليه السلام. ثم قال البهقي هذا اسناد عن ابن عباس صحيح. حدثني عبد
اس نے تسلیم کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اس روایت کی شرط بالکل کھڑی ہے اور یہ حدیث ہے, اور اس حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ زمینیں سات ہیں جس طرح سات آسمانیں ہیں اسی طرح زمینیں بھی سات ہیں, اور اللہ کے پاس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر زمین میں نبی ہے جیسے اس زمین پر میں نبی ہوں, جیسے تمہارا نبی اس زمین پر ہے اسی طرح باقی اور چھ زمینوں میں بھی ایک نبی ہے میری طرح, اور چھ زمینوں میں ایک ابراہیم ہے جیسے اس زمین پر ابراہیم آئے, اور ان چھ زمینوں کے اندر ایک موسیٰ ہے جس طرح اس زمین پر موسیٰ آئے, اور ان چھ زمینوں میں ایک عیسیٰ بھی ہے جیسے اس زمین پر ایک عیسیٰ آئے. یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے. اب اس حدیث کی روشنی میں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے پاس حبیب آتا ہے جو جہاں سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس زمین پر آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر آپ کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر, اب دوسری زمینوں کے اوپر اگر محمد نام کے اور پیغمبر ہے, ابراہیم نام کے اور پیغمبر ہے, علیشا اور موسیٰ نام کے اور پیغمبر ہے, تو جب وہ پیغمبر جناب سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہیں آپ آخری نبی کیسے ہوں گے؟ اگر یہ حدیث نہیں ہے تو سرے کے مخالف کے کھل کر اعلان کرے کہ ہم اس کو حدیث نہیں مانتے, یہ جھوٹی حدیث ہے, اور اس بات کا جواب دے کہ اکابر محدثین نے اور فن حدیث کے ماہر اساتذہ نے جو اہل سنت والجماعت کے پیشوا ہے وہ حدیث کو نقل کر رہے ہیں, اس کو اس کی تصحیح کر دیں تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ انہوں نے جائی بات ایک مرد پندرہ بات کیوں نقل کر دی؟ اور اگر وہ یہ مطلب نکالتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک پیغمبر ہونے کا تو ذکر ہے, دوسری زمینوں پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نام اور ہر جیسا ایک نبی ہونے کا ذکر ہے, اور ابراہیم اور دوسرا ہونا ثابت ہے, لیکن وہ عیسیٰ اور موسیٰ اور وہ ابراہیم اور محمد جو دوسری زمینوں پر ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہیں ہے بلکہ اسی دور میں ہے اس کے پہلے ہے. اگر ایسی کوئی بات اس حدیث میں بتائی گئی ہے اور ان زمینوں کے نبیوں کے لیے زمانے کی بھی تصریح ہے کہ یہ انبیاء جو دوسری زمینوں پر آئے ہیں وہ کس زمانے میں آئے ہیں, اگر زمانے کا ذکر دوسری زمین پر آنے والے پیغمبروں کے بارے میں, اس زمین پر آنے والے عیسیٰ اور موسیٰ اور ابراہیم کے بارے میں نہیں کہتا, اس لیے آپ ہوش میں رکھیے, رہن میں رکھیے اس بات کو, کہیں اس میں مخالف موازنہ نہ دینے پائے, کہیں یہ کہہ کر نکالنے نہ پائے کہ ابراہیم تو پہلے زمانے میں آئے تھے, عیسیٰ تو پہلے زمانے میں آئے تھے, موسیٰ تو پہلے زمانے میں آئے تھے, وہ تو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آئے ہیں, تو میں اس زمین پر آنے والے عیسیٰ اور موسیٰ کی بات نہیں کر رہا, اس زمین پر آنے والے ابراہیم کی بات نہیں کر رہا, اللہ کے پیغمبر نے سروری کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چھ زمینوں کے اندر آنے والے جس محمد کی خبر دی ہے اور جس ابراہیم کی خبر دی ہے اور جس موسیٰ کے بارے میں بتایا ہے, کیا اللہ کے نبی نے اس کے زمانے کا بھی تعین کر دیا ہے؟ اگر تعین قرآن نے نہیں کیا ہے, حدیث نے نہیں کیا ہے, تو آپ اس کا تعین کریں, اور اگر آپ تعین کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس میں تینوں قسم کا احتمال ہے, باقی چھ زمینوں پر آنے والے محمد, اس زمین پر آنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے آ چکے ہیں,
या आज के जमाने में आ चुके हैं और या आज के बाद आने की बात है, तीनों की गुंजाइश है। तो इसकी भी दलील देनी होगी कुरान से, इसकी दलील देनी होगी आजी से, मुबारका से। मैं घड़ी के मुखालिफ से अर्ज करूंगा कि वो जमाने की कैद और उसका टाइटल करते वक्त कोई नस सही पेश करेंगे, पुराने मुकदमों से कोई आयत मुबारक पेश करेंगे, हदीस पाक से कोई हदीस नकल करेंगे, और अगर कोई हदीस नकल नहीं करते और अपनी कोना दौड़ाते हैं तो फिर ये बताना होगा उनको कि आपने अल्लाह ने सिर्फ उन्हीं को दी है और किसी को नहीं दी है, या फिर आकर के इस्तेमाल करने का हक सिर्फ उन्हीं को मिला है और किसी दूसरे को नहीं मिला है। अगर ऐसी कोई दलील उनके पास है कि इस दुनिया में सिर्फ अकल उनके पास है और बाकी सबके सब के अकल है, या इस दुनिया में उन्हीं को हक दिया है अल्लाह रसूल ने कि वो अपनी अकल से जिस आयत को चाहे बढ़ा दे और जिस आयत को जिस हदीस को चाहे खास रख दे, तो ये हक उनको कहां से मिला है, अपनी निशान नहीं करेंगे। और अगर ये सब कुछ नहीं करते तो फिर उनको इतना नामस्मरण करना ही पड़ेगा कि इस हदीस से जो शुभ लगता है उस जरूरी आते दीन वाले अकीदे पर, उस इस्लामी अकीदे पर, अल्लाह की पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर जो दावा जाहिर इस रिवायत की रोशनी में शक पैदा होता है, उस शक को दूर करने की सूरत उनके पास क्या है। इंशाअल्लाह नजीर हमारी ये बातें अगर आपके चरण में रहेगी और आप मौजू मुनाजरा और शराइत मुनाजरा को अच्छी तरह से हम पर नशीन करेंगे तो फरीक के मुकाइल को कुरान लेने की कोशिश करेंगे और आज इंशाअल्लाह नजीर इस पर ही मौजू में फैसला हो जाएगा कि फरीक के मुकाइल हदीस और कुरान से कहां तक अपने अकीदे को साबित कर सकता है और कहां तक उनको हदीस और कुरान का इल्म है। आप पूरी संजीदगी के साथ अपने बदान के साथ माहौल को संजीदा रखते हुए किसी तरह की कोई इश्तियाल अकीदी नहीं और किसी तरह की कोई हुजूम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज हमको इल्म के समुद्र में गुजर जाना है और हकीकत के मोतियों को तलाश करके निकालना है ताकि रोशनी है। अगर जहन में रहेगी और हकम मुस्तहकम में और कमेटी वालों ने अगर इसको जहन नशीन कर लिया तो इंशाल्लाह देर नहीं लगेगी कि हकीकत आपके सामने आईने की तरफ से आ जाएगी। खुलकर मैंने अपना मौकफ आप सबके खिदमत पर हाउस कर दिया है और फरीक मौकफ फरीक मुखालिफ को मौकफ बयान करने के लिए उनको खुद हक है, उनका क्या मौकफ है वो बयान करेंगे इंशाल्लाह। अगर हमारे ज्ञान के हुए मौका से इतिहास रख रहे हैं तो उनको फिर ये शुभा और इस रिवायत के सिलसिले में वजाहत करनी होगी, और अगर इस मौका से इख्तलाफ रखते हो तो फिर वो अपना मौका क्या है वो बयान करें। मेरे भाइयों ये चंद इब्तदाई गुफ्तगू पहले शुरू करते हुए पहले मौजूद को टच करते हुए अर्ज करनी है और इंशाल्लाह इस सिलसिले की बाकी बातें सिलसिलेवार आप सबके खिदमत में आती रहेगी। एक बात और अर्ज कर दूं, मैं क्योंकि मरीज आज हूं मैं बहुत देर तक खड़ा नहीं हो सकता, इस मजदूरी के तहत आप मुझे इजाजत देंगे कि मैं कुर्सी पर बैठकर गुफ्तगू करूंगा और आप मेरी मजदूरी को उम्मीद है कि कबूल कर पाएंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं कमेटी के जिम्मेदारों से अर्ज करता हूँ कि हमारे नजदीक वीडियो का इस्तेमाल करना नाजायज है, इस वजह से
हमारे लिए भी जो इस्तेमाल न किया जाए, बड़ी प्यास रखती थी आप चाहें मुझे उनसे पूछ कर इस्तेमाल कर सकते। अब फिर मैं दोबारा साफ वादे अल्फाज में कह देना चाहता हूँ कि वीडियो के मेरे का इस्तेमाल हमारे लिए नाजायज है। हम अपने लिए उसके इस्तेमाल से मना करते हैं। कमेटी वाले बनाए क्रम के सिलसिले में उनमें शराका पास लिहाज करें। अब तरीके आखिर का क्या मौकफ है वो मुझसे पूछ लें, अगर इजाजत है तो उनके लिए आप जो जाने करें। अब मैं सबसे पहले अर्ज करूंगा कि मुनाजरे में तीसरी शर्त ये लिखी है कि हर मुनाजिर को 30-30 मिनट का वक्त मिलेगा, मगर यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही वक्त हो गया, इसलिए इस बात की रियायत पहले ही रखी जाए और कमेटी वाले अलार्म बजा दें इस बात का जो वक्त खत्म हो गया। अब मैं अपनी तरफ से और तमाम अहले सुन्नत की तरफ से अपने मनाजिर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुजीब रहमान साहब का नाम इस हैसियत से पेश कर रहा हूँ कि इस इलाके के जाने माने और बहुत ही ज़्यादे आलिम हैं, इनका इलमी मर्तबा भी है, मुनासिब है कि यहाँ के लोगों में वो अपनी बात आसानी से पहुँचा सकेंगे, इसलिए वो तशरीफ लाएं और 30 मिनट के अंदर अपनी गुफ्तगू को पाए तमाम तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। এখন তো ইয়ে আছে একটু গেলে পিছনে করে এদিকে আর খাম্বাও এখানে সাইড হয়ে যাবে, কিন্তু খাম্বা তো মা করে খাম্বা তো আনেন না, জরা সা সাইড কেনে সেটা ফাঁকা জায়গা ইদার গড়া যায় নেই পাট তো সব উঠে ফেলে এটা ঠিক আছে তা করা যায়। তাজাম্মুল তাজাম্মুল হোসেন সাহেব মেন তার তো এই শিক্ষা যাহা ভি হ্যায় ये सुनकर उनका दामाद का इंतकाल हो गया है। नूर आलम साहब से बाहर आकर मिले, नूर इस्लाम साहब से मतलब कोई माइक्रोफोन डाले तो बात सही तो है ना, मुनाज़रे का मौजू है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है या नहीं। मुझको और फरीक़े मुखालिफ को दोनों को ये बताना है कि उनके अकीदे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है या नहीं, और ये बताने के बाद कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू करना है कि हम जो कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है, अजीब की किस किताब है, तफसीर की किस किताब है, अकीदा जो इजमाई हो अकाई की जो किताब है उनमें से किस किताब में है, किताबों की रोशनी में अपनी बात साबित करनी है, मौजू सिर्फ यही। फिर अल्लाह आप सुन ले रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है या नहीं। मौजू आज का सिर्फ यही है कि आखिरी नबी है या नहीं,
तो हमारी जिम्मेदारी होगी कि हम ये कहें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, इसका सबूत कुरान में यहां है, तफसीर में यहां है, हदीस में यहां है, उम्मत रहिमा यहां नकल किया गया है। जब ये साबित कर दे तब उसके बाद हमको हक मिलेगा कि हम ये कहें कि फला साहब ने इसके खिलाफ फला जगह लिखा है, किसी शख्सियत पर या किसी की किताब पर गुफ्तगु बात अदा। ये मुनावरा, मुनावरे का मतलब ये हुआ कि अगर हम भी वही बात कहें, आप भी वही बात कहो, तो मुनावरा सफाए। अगर हम भी कहें कि दिन है, आप भी मानते हो दिन है, तो मुनावरा काहे को होगा पैदा। हम भी कहें कि रात है, आप भी कहते हो रात है, तो मुनाजरा काहे की होगा। जैसे यही मुनाजरा हो रहा है, हम इसको मुनाजरा कहते, आप भी कहते हो मुनाजरा की कोई जगह ही। लेकिन अगर कोई कहे कि मुनाजरा नहीं है ये, बल्कि ये कोई दूसरी चीज है, तब बात आगे बढ़ेगी। हम कहेंगे नहीं मुनाजरा है, इसीलिए मुनाजरा है उसकी सुखा सबूत किया है। और दूसरा कहेगा नहीं मुनाजरा नहीं है, इसलिए नहीं है उसका सबूत किया। अगर दोनों का इत्तेफाक हो जाए किसी बात पर, तो उससे मुनाजरा होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। हमारे तरीके मुखालिफ ने खड़े होकर दावा किया कि हमारे अकीदे के मुताबिक अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। ये उन्होंने कहा कि कुरान में भी है, हदीस में भी इजमाए उम्मत है, मगर कुरान करीम की वो आयत जिससे अल्लाह के प्यारे नबी का आखिरी होना साबित होता है, अल्लाह के रसूल की वो हदीस जिससे ये साबित हो कि अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है, या इजमाए उम्मत की वो नस्ल जिसमें लिखा हो कि इस पर इजमा है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, ये उन्होंने अभी तक नहीं दिखाया, ये उनके जिम्मेवार है। अदा हमारे नसीब आले सुन्नत वो जवाब के नसीब, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिला शुबा आखिरी नबी है। और ये सिर्फ हमारे नजदीक नहीं, अल्लाह ने अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया और कुरान में कुरान फरमा दिया। ये देखिए कुरान करीम, कुरान करीम में ये 22वां पारा है, सूरह अहज़ाब है और आयत नंबर है 40। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाह वखातमन नबिय्यीन। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह फरमाता है, वलाकिन रसूलल्लाह वखातमन नबिय्यीन, ये अल्लाह के रसूल और आखिरी नबी है। ये खुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। ये तफसीर जो मुफसरीन ने लिखी है, अब आपको समाप्त करना एक तरफ तफसीर सिराज मुनीर जिल्द 3 सफा 252 निकाला, इस आयत करीमा की तफसीर करते हुए तफसीर सिराज मुनीर जिल्द 3 सफा नंबर 252 से लिखते हैं, खातम नबी ए आखिरहुम अल्लज़ी खतमहुम। इस आयत का माना हुआ कि सारे नबियों के आखिर
जिन्होंने आकर सारे नबियों की नबूवत पर मुहर लगा दी, अब आखिरी नबी है, अब कोई नबी और आने वाला नहीं। आगे फरमाते हैं कि इमाम बुखारी गज़ाली फी आखिर किताब इक्तिसाद अन्न अल उम्मत फहमत मिन हाज़ा लफ्ज़ व मिन क़राइन अहबाबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु अफ़हमा عدم نبي بعده ابدا وعدم رسول بعده ابدا وانه ليس فيه تعويل ولا تخفيف. فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب الاقتصاد میں یہ فرمایا کہ اس لفظ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال کے قرائن سے امت نے یہ سمجھا, पूरी उम्मत से समझा, क्या समझा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया समझाया कि आपके बाद और कोई नबी नहीं आएगा, आपके बाद और कोई रसूल नहीं आएगा। इस आयत में न तो कोई तावील हो सकती है और न तो इस आयत में कोई तख़्सीस हो सकती है। ये नहीं कि इस आयत में आखिरी नबी का माना न हो, कोई और माना न हो, ऐसा है ही नहीं। ये नहीं कि नबी हमारे पैगंबर आखिरी है 50 नबी के एतबार से, 100 नबी के एतबार से, इस जमीन के नबी के एतबार से, उस आसमान के नबी के एतबार से, कुछ नहीं। न तो तावील है और न तो तख़सीस है। हमारे नबी अलग इकरार आखिरी नबी है, हमारे नबी के बाद और कोई नबी आएगा ही नहीं। जब अल्लाह ने फरमा दिया है तो आ सकता ही नहीं, इसलिए कि अल्लाह की बात झूठ नहीं हो सकती है, गलत नहीं हो सकती है, अल्लाह ने कुरान करीम में कहा। अब ये देखिए दूसरी तफसीर, तफसीर साहबी जिल्द 3 सफा 263। देखिए फरमाते हैं आयत करीमा नकल करके, वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमुन नबीयीन व कान अल्लाह बिकुल शैइन अलीमा। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और आखिरी नबी, व कान अल्लाह बिकुल शैइन अलीमा, और अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। फरमाते मिन हो, अल्लाह जो हर चीज का जानने वाला है, उसमें से एक चीज ये भी है, अल्लाह तो तमाम चीजों का जानने वाला है, उन तमाम चीजों में से एक चीज ये भी यकीन हो कि अन्नदा नबिया बाद हूं, यानी अब अल्लाह के प्यारे नबी के बाद कोई और नबी नहीं आया, हमारे सरकार के बाद और कोई नबी नहीं आएगा, कोई नबी पैदा नहीं होगा। और जब अल्लाह ने फरमा दिया तो यकीनन अब कोई नबी पैदा नहीं हो सकता है, इसलिए कि नबी कोई पैदा हो जाए तो अल्लाह की बात झूठी हो, और अल्लाह सच्चा है, अल्लाह का कलाम सच्चा है। इसलिए हमारे आका मौला रूही फिदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद और कोई नबी पैदा हो ही नहीं सकता। ये लीजिए अब वो तीसरी तफसीर, तफसीर जलालैन शरीफ जो मशहूर है, उसके हाशिए में भी लिखा हुआ सफा 355। ये देखिए कुरान करीम की तफसीर, तफसीर जलालैन, ये तर्जियात की सबसे पहली तफसीर है, इसको पढ़े बगैर कोई मौली मौली होता ही नहीं, कोई मौली नहीं, चाहे हमारी जमात का हो, उसकी जमात का हो, क्योंकि ये 10वें दाखिल है। इसके आशे में लिखते हैं आदम नबी के सिलसिले में आमा अहल सुन्नत वल जमा ला नबी अबादा नबी ना لقوله تعالى ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقوله عليه السلام لا نبي بعد. ترجمہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت نے فرمایا ہے کہ ہمارے نبی کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے, اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا ہے لا نبی بعد, میرے بعد اور کوئی نبی نہیں ہے. और आगे फरमाते हैं उमन का नबी नबीयन
अगर कोई कहे कि हमारे नबी के बाद फिर नबी है, फिर नबी पैदा होगा, तो फरमाते हैं युगा खा रहे हो, ऐसे आदमी को काफिर कहा जाएगा। बार बार आप लोगों ने सजा की जा रही है जनाब हजरात, सिर्फ तकलीफ सुने आप, जितने भी हजरात आए हैं किसी भी तरह की शोर शराबा न करें, बार बार इंतजार और गुजारिश हो रही है की तरफ से और बाबा की तरफ से सभी की तरफ से हम भी वादा मना कर रहे हैं, बिल्कुल खामोशी के साथ दुनिया समझने की कोशिश की। देखिए फरमाते हैं मन फारा फादा नबी नबी, जो कहे कि हमारे नबी के बाद फिर नबी होगा फिर का फिर हो, उसको काफी समझा जाएगा इस्लाम में। क्यों? इसलिए कि उसने कुरान करीम का इनकार कर दिया। और आगे फरमाते हैं वो कदा देखा था शक्का की है, ऐसे ही जो आदमी शक करे कि हमारे नबी आखिरी नबी है कि नहीं है, जिसको शक हो शुबा हो वो भी मुसलमान नहीं है। और आगे देखिए तफसील रूह बयान जिल्द 7 सफा 187 فرماتے خاتم نبین کا مانا والمانا وکانا آخرهم الذی ختموا به، پھر فرماتے ہیں وہ فی المفردات لئنہ ختم النبوۃ اے جو امت کے بنی ہے، آگے فرماتے ہیں کہ اصل وہ تو متواترہ انہم لا نبی بعدہ، سنت متواترہ یہ ہے اور خود اللہ کے پیارے نبی نے بھی فرمایا ہے اور قرآن کریم نے بھی فرمایا ہے کہ ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے۔ تو میں نے قرآن کریم سے اور قرآن کریم کی جو تفسیریں ہیں ان تفسیروں سے ثابت کیا کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے۔ اب اس کے بعد آئیے قرآن، قرآن کی تفسیر کے بعد حدیث، اور حدیث، حدیث کی کتابوں میں سب سے اہم کتاب بخاری شریف، بخاری شریف میں حدیث ہے جلد 1501 انتظام کمیٹی کے پنجاب میں نیچے ہمارے جتنے بڑے حدیث ہیں ان سے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قصر نبوت کی آخری نیند میں ہوں، اور فرمایا وانا خادم النبی اور میں آخری پیغمبر ہوں۔ تو یہ حدیث میں بھی ہے بخاری شریف میں کہ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے، آخری نبی ہے، آپ کے بعد اور کوئی پیغمبر کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کے بعد حدیث کی دوسری سب سے بڑی کتاب مسلم شریف جلد 2 صفحہ 248 میں حدیث ہے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث میں صفحہ 248 اس میں بھی یہی ایک اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ آخری نیند میں ہوں، وانا خاتم النبیین اور میں آخری پیغمبر ہوں، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا۔ اور اسی کتاب کی صفحہ 261 میں اور حدیث بھی ہے، حدیثیں بے شمار ہیں مگر چند حدیثیں تو میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں، کتاب میں دکھا دوں کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ اس سلسلے میں فرماتے ہیں میرے نبی صفحہ 261 پر وعلی العاقب والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں اور عاقب اسے کہتے ہیں جس کے بعد کوئی اور نبی نہیں پیدا ہوتا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، پھر آگے فرماتے ہیں وعلی العاقب الذی لیس بعدہ احد، میں وہ آخری ہوں جس کے بعد اور کوئی نبی ہوا ہی نہیں ہے۔ تو پھر اور کسی حدیث میں فرماتے ہیں عمل عاقب، عاقب کیا ہے؟ قال الذی لیس بعدہ نبی، وہ جس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوتا۔ حضرات میں نے قرآن کریم سے اپنا عقیدہ، اپنی جماعت کا عقیدہ، اپنا دعویٰ ثابت کر دیا۔
میں نے قرآن کریم کی تفسیروں سے اپنا دعویٰ اپنا عقیدہ اپنی جماعت کا عقیدہ ثابت کر دکھایا, میں نے احادیث کریمہ سے اپنا دعویٰ اپنا عقیدہ اپنی جماعت کا عقیدہ ثابت کر دکھایا, میں نے یہ بھی ثابت کر دکھایا کہ اللہ کے پوری امت نے یہی سمجھا کہ اس لفظ کی نہ تو کوئی تعویل ہے اور نہ اس لفظ میں کوئی تخصیص ہو سکتی ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے, اس میں کوئی تعویل بھی نہیں مانیں گے, اس میں کوئی تخصیص بھی نہیں ہوگی. ادا اس سلسلے میں اور بے شمار دلائل ہیں, وقت پر ہم ان دلائل کا بھی جواب دیں گے. میں اس وقت یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے فریق مخالف نے جو اپنا دعویٰ کیا تھا, اپنی جماعت کا عقیدہ بتایا تھا کہ وہ بھی ہمارے آخری نبی کو آخری نبی مانتے ہیں, انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم آخری نبی مانتے ہیں اور اگر فریق مخالف بھی آخری نبی مانتے ہیں تو ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم مانتے ہیں, اور ماننے کے پیچھے کیا کیا دلائل ہیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہم بھی مان جائیں وہ بھی مان جائے, یہ بات ثابت ہو جائے, تب کسی کو کسی بھی فریق کو دوسرے فریق کی شخصیات اور کتابوں پر بحث کی گنجائش ہے, اور شراط مناظرے میں بھی یہی ہے, شراط مناظرے میں بھی یہی ہے. جب میں نے ثابت کر دکھایا کہ قرآن نے کریم میں ہے, تفسیروں میں ہے, حدیث میں ہے, اجماع امت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے, تو اب ہم کو شرائط کے مطابق بھی اور خود فریق مخالف کے نمائندہ وکیل مناظر مولانا طاہر غیاثی صاحب کے بقول کی حق حاصل ہو گیا کہ اب ہم ان کی جماعت کے سر پہ پانی دارم جوبن کا جس کو تو حضرات پانی کہتے ہیں ان کا عقیدہ اس سلسلے میں کیا ہے, ان کا کیا موقف ہے اور جس کتاب میں کیا لکھا ہے میں وہ کھول کر دکھاؤں. لیکن حضرات ابھی مولانا قاسم نانوتوی کی بات رہنے دیں. مولانا طاہر غیاثی صاحب نے اپنی تقریر میں یہ فرمایا کہ اگر بریلی یعنی فریق مخالف کہا تو یہ بریلی کی بات ہے کہ اگر فریق مخالف ختم نبوت کے قائل ہوں گے تو ہم ان سے جواب طلب کریں گے کہ وہ اس عقیدے کے خلاف آنے والی حدیثوں کا جواب دیں. یہ انہوں نے کہا ہے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم لوگ بھی اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں تو وہ ہم سے جواب طلب کریں گے کہ اس کے خلاف جو حدیثیں آئی ہیں اس کا جواب کیا ہے, اور چنانچہ جواب طلب کریں گے کہا کر مستقبل پہ ڈالا نہیں, جواب طلب کر گر جاؤں گے کچھ احادیث کے نام پر عبارتیں سنا کر ہم سے مطالبہ کیا کہ اس سلسلے میں ہمارا موقف کیا ہے. حضرات میں نے آپ کو پہلے بتایا اور یہ پوسٹر جو چھپا ہوا ہے اس میں موضوع یہ ہے کہ دونوں فریق یہ بتائے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے یا نہیں, جب وہ یہ بتا رہے تب دوسرے نے کیا لکھا ہے اور کس کتاب میں کیا لکھا اس کو بتائے. موضوع یہ نہیں ہے کہ اس عقیدے پر کیا شبہ پڑتا ہے, اس کا جواب کیا ہوگا, اس کے لیے مناظرے کی ضرورت نہیں ہوگی, اس کے لیے جو شبہ ہے وہ تو فیصلہ بات ہے, اس کے لیے مناظرے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس پر شبہ پڑتا ہے تو شبہ کا جواب کیا ہوگا. کیا آج اتنا خرچہ اتنی پریشانی ہم کو آپ کو کمیٹی کو سارے لوگوں کو پریشان ہو اس لیے ہوئی ہے کہ آپ آئے تو سنیں کہ شبہ کا جواب کیا ہے, یا آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی آخری نبی ہے یا نہیں, اگر ہے تو یہ عقیدہ ہمارا یقیناً جو ہم رکھتے ہیں وہ غلط ہے. تو حضرات جو آپ اپنا عقیدہ رکھے ہوئے ہیں اور ہم بھی رکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی آخری نبی ہے, اس کے خلاف تو کوئی کچھ نہیں کو بول رہا ہے, آپ کو جاننے کے لیے آئے ہیں, یہ جاننے کے لیے نہیں آئے ہیں کہ قرآن کریم کی اس آیت پر کیا شبہ عائد ہوتا ہے, اس حدیث پر کیا اعتراض پڑتا ہے. یہ اعتراض اور شبہ علماء کا کام ہے,
पब्लिक को जानने का कोई मौका मिल नहीं कि पब्लिक आए ये जानने के लिए कि इस पर क्या चुनाव होता है, क्या इतराज होता है। पब्लिक को तो अपना अकीदा महसूस करना चाहिए और अकीदा जानना चाहिए। अदा इसके अलावा मौलाना ने ये सिर्फ नहीं कहा कि आप इस शुबे का वक्त क्या जवाब देंगे, यानी हमसे जवाब तलब कर रहे कि इस शुबे का जवाब क्या। आप ख्याल फरमाइए, हमसे शुबे का जवाब तलब कर रहे हैं, हालांकि अगर उनका भी खुद यही अकेला होगा कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, तो जैसे हमसे पूछ रहे हमसे पूछने की क्या जरूरत है। उनको खुद भी मुसाफा करना चाहिए। दो भाई अपने घर में है, बाप की जायदाद कोई लूट के लेके जा रहा है, तो क्या वो कहेगा कि साहब मेरा भाई, अरे भाई साहब अरे वो भाई साहब वो लूट के लेके जा रहा है। आप उतना बस लाइट दे रहे हमको मिलना चाहिए भाई, जितना बस लाइट दे रहेगा वो क्या तक लाइट दे रहे कि उतना बस मुझे मिल जाना चाहिए। अगर कोई किसी के बाप की जायदाद लेके भाग रहा हो या खुद उसकी जायदाद हो, भाई क्या तरह का जायदाद है चोर लेके जा रहा हो, क्या वो अपने भाई को कह रहे कि चोर लेके जा रहे हैं, क्या रखेगा, या वो खुद उस चोर को पकड़ने की कोशिश करेगा, चोर के पास छुड़ाने की कोशिश करेगा। तो अगर ये अकीदा हमारा उनका तरीका उस तरह का है कि अल्लाह के नबी आखिरी नबी है, तो अगर उस पर कोई सवाल पड़ता हो तो उनको खुद ही जवाब ढूंढना चाहिए, उसके लिए मुनाजरा करके हमसे जवाब तलब करने की कोई आवश्यकता नहीं। पता चला कि उनका अकीदा कुछ और है जो अंदर छुपा हुआ है और आज जाहिरी तौर पर सब लोगों के सामने बिल्कुल बिल्कुल चुप आदमी बैठ जाइए आप लोग बैठ जाइए। आवाज यहां से प्रचारित है, आप शांति बनाए रखें, माइक खराब हो रहा है, आप से ज्यादा हमको परेशानी हो रही है। हेलो भला, हमारा तो अकीदा बिल्कुल वाजे है और दलाइल से साबित है। मौलाना ने कसर इब्ने अब्बास पेश की, पहली बात तो ये कसर इब्ने अब्बास को उन्होंने सही कहा कि यह हदीस सही है। तकनीकी खराबी के कारण कुछ दुश्वारियां पेश हो रही है, हम लोगों को बड़ा अफसोस है। अभी सन्नाटा है भाई, आस्ते आस्ते घुमाना पड़ेगा, शुरू घुमाए बातें बहुत है और इंशाअल्लाह जब अल्लाह ताला मोहम्मद आपके सामने वादे होकर पेश करते जाएं। ये तो अकीदे की बात हुई कि हमारा अकीदा यह है कि हुजूर आखिरी नबी है, हमने साबित कर दिया, मगर इसके बखिलाफ ये देखिए किताब है तहजीबुन्नाम, जिसके मुसन्निफ हैं उनके उन लोगों के अपने अल्फाज में हुज्जतुल इस्लाम हजरत कासिमुल उलूम वल खैरात मौलाना मोहम्मद कासिम साहब बानी दारुल देवबंद, ये इतने बड़े इनके सबसे बड़े बुजुर्ग, उन्होंने इस आखिरी नबी के सिलसिले में अपना अकीदा क्या लिखा आप उन्हीं के अल्फाज में सुन लीजिए। अगर बिल फर्ज ये सफा नंबर 25 है, लोग समझ रहे हैं कि बरेली और जुबनी का कलाम वो जैसा कि यहां के
कमेटी के लोगों ने भी कुछ उन्माना रख दिए हैं कि साहब को उसमें चादर मुरमजा कहन उदास वगैरह, वो तो छोटी बात है। असल बुनियादी चीज ये है कि खराब वो ये लिखते हैं अगर किलफत बादे जमाने नबवी, यानी हमारे नबी के जमाने के बाद जमाने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नबी पैदा हो, ये नहीं कि पहले पैदा हुए थे वो जिंदा है, ये नहीं, कोई नबी पैदा हो फिर भी खातमे मुहम्मदी में कुछ फर्क नहीं आया। फिर लिखते चले जाए कि आपके मुआसिर किसी और जमीन में, या फर्ज कीजिए इसी जमीन में कोई और नबी तजवीज किया जाए, यानी अगर हमारे नबी के बाद उनके अकीदे के मुताबिक कोई नबी पैदा हो जाए तो खातमे मुहम्मदी में कोई फर्क उनके नजदीक नहीं आएगा, उनके नजदीक फिर नया नबी पैदा हो सकता है। ये उन हजरात का अकीदा है और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो उलमा जोबल का अकीदा है। हजरात मैं एक बात का वादा कर दूं कि आम लोग जिनको लोग जोबंदी कहते हैं मैं नहीं कहता, मेरा खिताब उनसे नहीं है। मैंने अपनी तकरीर में भी कहा था कि मेरी गुफ्तगू को आम पब्लिक से नहीं है, वो बेचारे जानते नहीं है इन हकीकतों को, तो चाहे वो उर्फी तौर पर अपने को गलती कहते हो जोबंदी कहते हो उससे कुछ नहीं। असल बुनियाद है उन लोगों से जिन लोगों ने किताब लिखी छापी पढ़ा समझा और उनका इतवा कर रहे हैं और उसकी वकालत कर रहे हैं कि ये बात सही है किताब सही है। अगर आप लिख रहे हैं कि हमारे जमान नबी के जमाने के बाद ही कोई नबी पैदा हो जाए तो खातमे मुहम्मदी में फर्क नहीं आएगा। हजरत क्या नया नबी पैदा हो जाए तो फर्क नहीं आएगा? अरे फर्क आएगा, हमारे नबी आखिरी नबी नहीं रहे, तो जो हमारे नबी आखिरी नबी नहीं रहेंगे तो जाहिर बात है कि फर्क बढ़ ही गया, मगर उनके अकीदे में फर्क नहीं पड़ा, यानी नबी आखिरी नबी रहे न रहे उनके अकीदे में कोई फर्क नहीं आता, उनका अकीदा जो है वो वही रहेगा। और हमारे अकीदे के मुताबिक अगर कोई नबी पैदा होता है करता उन्हीं के बकौल कि कोई नबी पैदा हो जाए तो हमारे अकीदे के मुताबिक फर्क पड़ जाएगा, अकीदा सही नहीं रहेगा, और जो ये अकीदा रखेगा वो मुसलमान नहीं रहेगा, और उनके अकीदे के मुताबिक फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे अकीदे के मुताबिक फर्क पड़ेगा वो मुसलमान नहीं रहेगा, इस्लाम के दायरे से बाहर हो जाएगा, वो गैर मुस्लिम हो जाएगा। और मौलाना ताहिर गयावी उसी अकीदे को मान रहे हैं कि हमारे नबी के बाद कोई नबी पैदा हो जाए तो फर्क नहीं पड़ेगा। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूं, मौलाना ताहिर गयावी ने भी अपनी तकरीर में इसका इकरार किया था कि जो इसके खिलाफ कहे वो मुसलमान नहीं रहेगा काफिर हो जाएगा, काफिर है यह उन्होंने उसकी कहा था। तो गोया अपने इस कुफरी अकीदे पर ये सारी डिग्री खुद उन्हीं की जबान से हासिल हो गई है। ये मेरे घर की किताब नहीं, किसी और के घर की किताब नहीं है, उनके घर की किताब है, छपी भी है ये कुतुब खाना रहीमिया देवबंद जिला सहारनपुर से शायद किया। कमेटी वाले चाहे तो मैं ये किताब उनको देखने के लिए भी दे सकता हूँ। हजार वो कमेटी वाले किताब लेकर देखना भी चाहे तो दे सकते हैं, उर्दू में किताब है और उसको वो लोग पढ़ भी सकते हैं या अल्फाज खुद भी देख सकते हैं। ये सफा नंबर इसका 25 है। जब तक आप देखेंगे मेरा वक्त महफूज रहेगा, जब तक आप देख लीजिए मेरा वक्त महफूज है। हजार मौलाना ताहिर गयावी साहब ने खुद असरे इब्ने अब्बास की तौजीह करते हुए ये कहा है कि अपनी असरे की अब्बास में ये नहीं है कि वो नबी की जमाने में होंगे पहले या बाद या हुजूर के जमाने में। उन्होंने मुझे खिताब किया कि अगर हम लोग ये कह दें कि वो नबी पहले थे तो वो हमसे मुतालबा करेंगे कि अल्लाह ने तो मुतय्यन नहीं किया है, नबी ने तो मुतय्यन नहीं किया है, तुम मुतय्यन, तुम बरेली वाले मुतय्यन करने वाले को। ये उन्होंने हमसे कहा, इसका मतलब ये हुआ कि उनके नजदीक ये मुतय्यन नहीं है, वो किसी भी जमाने में हो सकता है, पहले भी था, पहले के भी हो सकते हैं, खुद हुजूर के साथ भी हो सकते हैं और आज भी पैदा हो सकते हैं, खुद उनके आसपास के साथ हो जाते हैं।
जब पैदा हो सकता है तो हो सकता क्यों रहे, वही जाए। इसलिए उसने दावा कर दिया कि हम पैगंबर बनकर आए हैं। मगर आदियानी को यह अकीदा मिला कहां से? इन्हीं उलमा देवबंद की किताब से अकीदा मिला, और इन्हीं उलमा देवबंद की शह पाकर कादियानी ने नबुव्वत का दावा कर दिया। तो हजरत ये तो खुद इनका अपना अकीदा यह है कि हो सकता है, और इन्हीं इनके इसी अकीदे की पैदावार, इसी अकीदे की बुनियाद पर शह पाकर कादियानी फिरका आज दुनिया में फतवे नबुव्वत का मुकिर हो गया, जिसको पूरी दुनिया के मुसलमान ने गैर मुस्लिम और काफिर करार दिया है। अब इसके बाद हो गया अभी है अदा तो, और मैं तो आएगा दिखाऊंगा कि कादियानी ने खुद इसका इकरार किया है, इकरार किया है कि जनाब हमको जो काफिर कह रहे हो कि हम आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मान रहे हैं, तो हमसे पहले तो और हमारे देवबंद ने खुद भी यही लिखा है और हम उन्हीं की शह पाकर यह अधिकार रख रहे हैं, तो आप हमको काफिर कह रहे हो, इंशाल्लाह अल्लाह पाने पर हम वो भी दिखा देंगे। तो पता चला कि इस अकीदे की बुनियाद को मौलाना आसिफ नानक भी पानी दादू देवबंद ने रखी, और ये हमारे नबी के बाद भी कोई नबी पैदा हो सकता है, हमारे नबी आखिरी नबी नहीं, जबकि पूरी दुनिया का अल्लाह अकीदा है कि अल्लाह ने हमारे नबी को आखिरी नबी बनाया, और खुद हमारे नबी का यह अकीदा रहा कि हम आखिरी नबी हैं, और मेरे नबी के जमाने से सहाबा ताबईन तबे ताबईन अइमा मुज्तहिदीन तमाम बुजुर्गों ने दी, सारी दुनिया के मुसलमान ये मान के आए हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, आपके बाद अब कोई नबी पैदा हो ही नहीं सकता है। इसलिए कि अगर इंसान माना जाए कि कोई नबी पैदा हो सकता है, तो अल्लाह की किताब को झूठा करार देना होगा, खुदा को झूठा करार देना होगा। हमारा खुदा झूठा नहीं है, अल्लाह की किताब झूठ नहीं है, इसलिए कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। अदा मैंने भी ये किताब पढ़ के सुनाई है और आपको दिखाई है, कमेटी वालों को भी दिखाई है। मैं उनसे मुतालबा कर रहा हूं कि जब उनका वक्त आए तो ये इस बात का एतराज करें, या करार करें, या इनकार करें कि ये उनके बुजुर्गों की किताब नहीं है, या फिर कहें कि हाँ हमारी किताब है। खुलकर खुले लफ्जों में एक पेश करने की जरूरत नहीं है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। शांति बनाए रखें और सुने, सवाल जवाब शुरू हो गया है दोनों तरीके से, और आप उतने ही होकर के सुने, और जो टेप कर रहे हैं अपने इस तकरीर को वो मेहरबान करके ना करें, नहीं तो हमारे वॉलंटियर या प्रशासन की मदद से आपके टेप को जब्त किया जा सकता है। यह सख्ती से पाबंदी लगाई गई है कि कोई भी आप जो है वो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता है, वो सिर्फ कमेटी के ही जरिया रिकॉर्डिंग होगा और कमेटी से आप लोगों को दी जाएगी। इसलिए फिर बार बार गुजारिश कर रहे हैं कि आप लोग इतना से बैठे और सुने, डेढ़ बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि आधा घंटा हम लोग बढ़ा के आज क्योंकि लेट से शुरू हुआ, देरी से शुरू हुआ। मोहतरम हजरात, मैंने गुफ्तगू का आगाज करते ही आप हजरात की खिदमत में एक दरखास्त की थी। मुनाजरा कमेटी हकम हजरात और दोनों फरीक के सुदूर और आम मुसलमानों से तमाम हाजरीन से मैंने दरख्वास्त की थी कि शरायत मुनाजरा और मौजू मुनाजरा की पाबंदी जरूरी है, और आप हजरात फरीक मुखालिफ को इसका पाबंद बनाने की कोशिश फरमाएंगे। शायद के आप हजरात ने मेरी इस दरखास्त पर तवज्जो नहीं फरमाया,
यह तवज्जो तो आपने की लेकिन बात सही। एक बार फिर मैं आप हजरात को मुतवज्जे कर रहा हूं, शराइत मुनाज़रा की दफा नंबर 12 को फिर से पढ़ लीजिए। पहले असल मसले पर कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू होगी, उसके बाद किसी शख्सियत या किताब पर बहस होगी। हमारे कहीं के मुखालिफ ने इस दफा की खिलाफ वर्जी अपनी पहली तकरीर में कर दी और उन्होंने जरूरत से ज्यादा उजरत से काम लिया। उन्होंने शख्सियत को भी और एक किताब को भी बहस में पहली तकरीर में दाखिल कर दिया। क्या उनके नजदीक कुरान और हदीस से जितनी गुफ्तगू होनी थी वो सब हो चुकी और अब गरीब मुखालिफ के पास हदीस और कुरान में कोई मटेरियल नहीं रह गया है? अगर उनका दामन हदीस और कुरान से खाली हो चुका है और कोई मटेरियल और मवाद नहीं रह गया है तो फिर उनको ऐलान करना चाहिए था क्या मेरे पास हदीस और कुरान से गुफ्तगू करने के लिए कुछ बचा नहीं है, इसलिए अब मैं शख्सियत और किताब को भी बहस में ला रहा हूं। इतनी उजरत नहीं करनी चाहिए थी जितनी उजरत से उन्होंने काम लिया। मैं समझता हूं कि शायद इस बात को वो भी मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि हदीस और कुरान से गुफ्तगू का काम खत्म हो गया और असल मसले की बात मुकम्मल हो गई और हदीस और कुरान की रोशनी में कोई मजीद कलाम की गुंजाइश बाकी नहीं है और न दलाइल की मत में न इश्काल और शुबहात की मत में कुरान और हदीस से कोई और बात मुझे नहीं करनी है। अगर उन्हें कोई और बात नहीं करनी हदीस और कुरान से तो उन्हें इसका पहले ऐलान कर देना चाहिए था, उसके बाद किसी शख्सियत का नाम या किसी किताब को सामने लाना चाहिए था। आप हमारे फरीक मुखालिफ की मजबूरी को महसूस करें कि फरीक मुखालिफ के पास हदीस और कुरान में अब कोई बात नहीं आ गई, इसलिए कि हदीस और कुरान में जाने में बेचारे के लिए मजबूरी है, परेशानी है, उधर पढ़ते हैं तो बंदर में फंसते हैं। खर्च में बहस करने के लिए वक्त से पहले बहस को और किससे गुफ्तगू कर रहे हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त नहीं है, बहुत जल्द आने वाला है। वो यहां सिवाय खलके मबास के और सिवाय एक परिंदे की तरह इस डाली से उतर कर उस डाली पर और उस डाली से टूट कर उस डाली पर चलने के आपके पास कोई और रास्ता नहीं है। मैं आपको मुतवज्जेह करना चाहता हूं कि आप होश में रहें और शराइत मुनाज़रा की कॉपी को हाथ में लेकर गुफ्तगू करें और खल को मबास करने की कोशिश न करें। मैं दाहिर हुसैन बोल रहा हूं। अगर आपने शख्सियतों को अभी से ध्यान में देर देर बात लाया है और किताब महसूस को आपने उठाकर मोदी में ठूस दिया है तो आप ऐलान कर देंगे कि नंबर एक तो किताब कुरान और हदीस की गुफ्तगू करने की मसले के सिलसिले में वो मुकम्मल हो गई और इस सिलसिले में मैं कोई बात कुरान हदीस से नहीं करूंगा तो फिर मैं इंशाल्लाह आगे बढ़ रहा हूं। को मैं उम्मीद करता हूं कि मुफ्ती मुझे बाबा साहब ऐलान कर देंगे और मनाजरों कमेटी वाले उन्हें पाबंद करेंगे। 5 मिनट मैं अपने वक्त में देता हूं, उसके बाद मैं गुफ्तगू करूंगा। कमेटी मुफ्ती मोहम्मद नसीबुर्रहमान साहब से ये गुजारिश करती है कि मौजू नंबर 1 और शराइत नंबर 12 के मुताबिक यदि अगर उनका कुरान और हदीस की रोशनी में बहस मुकम्मल हो चुका है वो ऐलान कर दे और शख्सियत पर वो आ गए हैं कि ऐलान कर दे। आप लोग
की मुफ्ती मंदिर साहब आपसे मुखाती होंगे ये गुराव और हनी सिंह की बात खत्म हो गई या फिर वो सबके पर ही बात करेंगे ये भी समय के उनसे तलब की है कि सवाल की इसलिए आप मेहरबानी करके सुने कमेटी के लोगों को शर्मा की वो जो राजनामा है वो फिर अपने सामने ला रहे हैं देखें इसमें अल्फाज है पहले असल मसले के कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू होगी गुफ्तगू खत्म हो जाएगी ये नहीं है मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में गुफ्तगू की मैंने बताया कि कुरान की है कि कुरान करीम में ये है हदीस में ये है तफसीर में ये है ये मैंने बताया गुफ्तगू की नहीं बात यह है कि ये संजीदगी का माहौल बनाकर रखना होगा आप लोगों से गुजारिश है अपनी टेक्निकल आई डी पास अगर आ जाती है तो उसको हम लोग को भी सदस्य करना होगा कमेटी से आपसे ये सवाल है कि अगर कुरान हदीस की रोशनी में अगर आपकी गुफ्तगू खत्म हो गई हो तो ऐलान हो जाए सिर्फ सदस्य के बारे में बात करनी है तो आप लोगों को सदस्य का ऐलान करना पड़ेगा इसलिए आप अगर आपसे ये गुजारिश की गई है कमेटी की तरफ से कि अगर कुरान और हदीस की रोशनी में आपकी गुफ्तगू खत्म हो गई है तो ये आवाज उठना है सत्य से मेरे गुफ्तगू करना चाहते हो वो आपको ऐलान करना होगा लेकिन दोनों दोनों बातें एक साथ किसी के भी अब लड़ाई की बात लड़ाई से करते रहेंगे अगर आप जैसा कि शराय के मुताबिक ये तय हुआ है कि अगर दोनों परिजन अगर कुरान और हदीस की रोशनी में मुतमिन होते हैं तो खत्म बात अगर कोई सबसे की बात अगर आती है कोई भी परिजन अगर जानवे के अंदर सबसे प्रभाव होना तो फिर वो ऐलान के साथ आपको करना पड़ेगा देखिए एक तो सबसे खाली शख्सियत एक है तो उसी मौजू के बारे में अगर मौजू अगर थोड़े ऐसा करते हैं तो उत्तर भूला है कोई आखिरी नदी के बारे में उनका क्या सरकार के लिए आपका क्या है उसी आखिरी नदी का हमारा अकीदा ये हमने बता दिया कि हमारे अकीदे के मुताबिक हमारे नदी आखिरी नदी में माहौल बना रहे हैं उन्होंने इसके खिलाफ नहीं लिखा और उनके अकीदे के मुताबिक जैसा कि उन्होंने बयान किया कि हुजूर आखिरी नदी है मगर उनके बुजुर्गों ने इसके खिलाफ लिखा है अल्लाह के पैगंबर आखिरी नबी है ये उनके बुजुर्गों ने लिखा ये उनका मौका कैसे काबिल हुआ ये उनका वक्त नहीं था ये वक्त मेरे वक्त में से काट कर दिया गया है इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि ये एक मसला कि शरायत मुनाजरा की इस दफा की खिलाफ वर्जी हो रही है कमेटी ने भी महसूस किया है और आप भी महसूस कर रहे हैं और मैं तो पूरी कुव्वत से रखता हूं पूरी कुव्वत से कहता हूं शरायत मुनाजरा और मौजूद मुनाजरा के हदूद में रहना ये मुफ्ती मुती रहमान साहब के बस का रोग नहीं है इन्होंने कई अभी तकरीर की है और उसमें कई बेजाबतगी की है इसमें से एक बेजाबतगी ये थी इसके लिए मैंने 5 मिनट का वक्त अपना दिया इस सिलसिले में इसी बेजाबतगी पर मजीद रोशनी पड़ने के लिए इस शरायत मुनाजरा की एक दफा और भी मौजूद है उसको भी जरा साफ गौर कर लें दफा नंबर 7 जब तक किसी एक सवाल का जवाब खत्म न होगा उस वक्त तक दूसरा सवाल करने का हक न होगा और न दूसरे मौजू पर गुफ्तगू की इजाजत होगी मुफ्ती मुतुर रहमान साहब से मैंने अपनी तकरीर में कई सवाल किए थे इस अकीदे के मुताबिक जिसमें से हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा की रिवायत के सिलसिले में भी सवाल किया था और उस रिवायत को मैंने तफसीर इब्ने कसीर के हवाले से कई सनदों के साथ मुहद्दिस बैहकी की तशहीरी के साथ नकल किया था सवाल में मेरी पहली तकरीर में यह चीज मौजूद थी और अकीदे की भी पूरी वजाहत थी और उसमें मैंने अर्ज किया था कि फरीक मुखालिफ का अकीदा मैं नहीं बयान करता इसलिए कि ये मेरा हक नहीं है ये फरीक मुखालिफ का हक है मेरे भाई आपने महसूस किया तीन तीन खिलाफ वर्जियां और बेउसूलियां मुफ्ती मुतुर रहमान साहब ने की अपनी तकरीर में बात इन्होंने ये की कि उनका अकीदा कुछ और है
کسی مناظر کو یہ حق ہے کہ جب ایک مناظر اپنا موقف پورا ہوا بیان کرتا ہے چیلنج کے ساتھ بیان کرتا ہے تو کیا دوسرا مخالف یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ اندر سے بھی کچھ اور ہے؟ اگر آپ کو یہ حق ہے تو میں بھی کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ آپ نے جو اپنا موقف بیان کیا ہے آپ کو بھی ہمارے موقف کو اپنا لیا کیونکہ اندر سے آپ سلنڈر تھے اگر میں جوابی طور پر یہ جملہ استعمال کروں تو مناظرہ کس رخ پر جائے گا اور کیا مناظرہ اپنے شرائط کے ساتھ ہو پائے گا؟ یہ دوسری خلاف پردی انہوں نے کی مناظرہ تو میں جسے میں کہتا ہوں تو ان کو ان مناظرے کے قواعد اور اصول سکھائے اور حدود میں آ کر گفتگو کرنے کے آداب سکھائے۔ جب دو فریق یہاں پر ہیں اور پہلا فریق ہونے کی حیثیت سے مجھے حق ملا اور میں نے اپنا موقع قرآن اور حدیث کی روشنی میں سامنے رکھا اور مفتی مفتی الرحمان صاحب نے بڑی چالاکی کے ساتھ آپ کو یہ بھی فریب دیا کہ مولانا نے کوئی دلیل نہیں بیان کی۔ افسوس، اگر آپ کے کان کھلے ہوتے اور آپ نے کچھ پڑھا لکھا ہوتا تو میں نے تقریر شروع کرنے سے پہلے خطبہ پڑھا تھا اور پڑھا تھا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین۔ کیا بولی صاحب کوئی اتنا یاد نہیں ہے کہ خاتم النبیین قرآن مقدس کی آیت کا جملہ ہے اور اس کو ہم نے خطبے میں لباس کے طور پر نقل کیا تھا تاکہ دلیل پہلے سامنے آ جائے، لیکن اب تو اس کچھ کھلی ہی جاہل اعلی کارروائی کے باوجود اور ان کے صدر محترم کیا وہ اتنے بھی واقف نہیں ہے کیا وہ مناظر کو متوجہ کرتے اور ان کے منہ میں لگام دیتے اور اس طرح دھول ہونے سے ان کو روکتے؟ یہ مناظرہ ہے
نسیم الریاض شرح شفا قاضی عیاض جلد دو صفا نمبر 217 میں جو عقیدہ بیان کیا تھا اس عقیدے کی یہ دلیل بھی ہے اور مجھے افسوس ہے کہ مفتی صاحب کا مٹیریل چونکہ ختم ہو گیا حدیث قرآن میں اس لیے شخصیات میں گھسنے لگے اور اس راہ کو چھوڑ کر دوسری راہ پر کودنے لگے اور وہاں قاسم نانوتوی یاد آنے لگے ابھی سے اور دوبل کی یاد سکھانے لگی وہ موقع اور ہوتا جب آپ جاہلوں میں رنگ جمایا کرتے تھے اور لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے آج آپ کو اپنی اوقات محسوس ہو جائے گی کیا ہے علماء دیوبند اب راہی حسین کیا ہے اب ان کا میدان کیا ہے دیکھو مولانا قاسم نانوتوی ابھی پیسہ بھی نہیں ہوئے ہیں اور علامہ خفاجی رحمت اللہ آئے نسیم الریاض میں حدیث پاک کے اندر خاتم النبیین کا لفظ آیا ہے اس خاتم النبیین کا معنی بیان کرتے ہیں مفتی صاحب کو صرف ایک معنی معلوم ہے اس لفظ کا کوئی دوسرا معنی معلوم نہیں ہے جب آپ کا علم اتنا محدود ہے مطالعہ اتنا کمزور ہے تو آپ میدان مناظرہ میں کیوں آئے تھے آپ کو ہوش حواس درست کر لینا چاہیے تھا کہ میں اس کا عادی ہوں یا نہیں میں کہاں جا رہا ہوں اور کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں یہ شرح شفا ہے جو علامہ خفاجی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہوئی ہے اور اس میں خاتم النبی کے معنی بیان کر رہے ہیں وہ سن لیجئے کہ اس لفظ کے معنی ایک ہے یا ایک سے زائد بھی ہے صرف آخری ہونے کے معنی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور زائد معنی بھی ہے اس لفظ کے اندر آخری ہونے کے علاوہ کچھ زائد مفہوم کی بھی گنجائش ہے اور علماء نے وہ مفہوم لیا ہے اس میں داخلی معنی ہے اس کی تصریح ہے یا نہیں ہے مفتی صاحب کو افسوس خبر نہیں ہے تو ان کی اطلاع کے لیے گزارش کروں گا کہ علامہ خفاجی کے بارے میں فیصلہ فرمائیں گے کہ علامہ خفاجی نے آخر کے معنی کے علاوہ بھی اس کے مفہوم میں زائد چیز کو مانا ہے اس کی تصریح کی ہے اور مفتی صاحب بات فرمائیں گے جب شخصیت کی بات آئے گی تو میں بتاؤں گا کہ مولانا نقی علی خان صاحب نے مولوی احمد رضا خان صاحب کے 42 محترم میں خود ان کے گھر کے اندر مولانا قاسم نانوتوی سے پہلے ہی مارا وہ سب کچھ ہو چکا ہے اب وہ کھیر پک چکی ہے ابھی اپنے پھٹے میں ہاتھ ڈالنے کا جب نمبر آئے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ شخصیات پر اور کتابوں پر بحث کا کیا مطلب ہوتا ہے ابھی تو آپ نے جو غلطیاں کی ہیں صرف اس کی نشاندہی کر رہا یہ دیکھیے حدیث پاک ہے وفی روایت حدیث کی کتاب میں ایک روایت آئی ہے کیا روایت آئی ہے آتانی الکتاب اور روایت میں آیا ہے انی عبداللہ وخاتم النبیین اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں وخاتم النبیین اور نبیوں کا خاتم ہوں اب اس کا معنی دیکھیے علامہ خفاجی لکھتے ہیں وخاتم بکرسل چائی و فتح ہاں خاتم کا لفظ ساپر زیر لگا کر اور خبر لگا کر دونوں طریقے سے صحیح ہے خاتم بھی اور خاتم بھی دونوں طرح سے یہ لفظ ہے اور لوگ کے عرب میں دونوں طرح سے اس کا استعمال ہوتا ہے خاتم بکسر التاء وفتح ہا یہ لفظ کسرا اور فتحا دونوں کے ساتھ صحیح ہے اور قرآن مقدس کی قرآت میں بھی خاتم اور خاتم دونوں طرح کی قرآت آئی ہے اور یہ لفظ چاہے دیر کے ساتھ پڑھا جائے یا خبر کے ساتھ پڑھا جائے اس کے معنی کیا ہے بکسری واپس رہا آخر ہوں ایک معنی ہے نبیوں کا آخر
का फर्ज ले लें और अगर हवाला देने की जरूरत पेश आए तो ये अरबी किताब है, मैं हाथों साहब के पास भेजे रहा हूं, वो देख लें कि जो इबारत मैंने पढ़ी है वो इसमें है या नहीं। और मुफ्ती मुतीर रहमान साहब से और उनके सदर मुहरम से दोनों को बुलाकर जरा इकरार हमको लेकर करवा के और वो पुरुषा दिलवा दे कि जो मौलाना साहिब यामी ने हवाले में इबारत पढ़ी है वो यहाँ मौजूद है। मैं कोविड वालों का भी बहुत मशहूर हूंगा और उनके सदर का भी शुक्रगुजार हूंगा। अब मुफ्ती मुतीर रहमान साहब को भी इंशाल्लाह जरूर शुक्रिया अदा करूंगा, वो देख ले ये लफ्ज आज हदीस के तहत और आदम नबीन के माना में ये लिखा हुआ है या नहीं और ये आखिर उनसे शय जायद है कि नहीं। अगर शय जायद नहीं है तो यहां का क्यों अल्लामा कुतुबी ने जिक्र किया? अगर उनसे गलती हो गई है तो ये ऐलान कर दे कि ये किताब हम नहीं मानते और अल्लामा कुतुबी गलती कर रहे हैं, इसके हम जिम्मेदार नहीं है। इंशाल्लाह अगर उन्होंने मोदी से मुताबिक हुजूर की रियायत की अभी दलाएं तो इंशाल्लाह भी चलते रहेंगे और शख्सियात इंशाल्लाह गुफ्तगु मुकम्मल होने के बाद फिर शख्सियात पर भय दिया होगा। अभी तो हदीस की भी जो उतर रही है, मैंने रिवायत पेश की थी तफसीर इब्ने अब्बास के हवाले से, हजरत औलाए असद अब्बास का आदम पेश किया था, उसका जवाब देने से वो कतरा गए और उसको नजरअंदाज कर दिया। जब उन्होंने अपना वक्त दे दिया मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब को, जब उन्होंने अपना वक्त दिया तो फिर अब उसके बाद उनका अपना वक्त लेने की क्या जरूरत है? मैंने कुरान में
सारे कमेटी के लोग कहते थे हरे जा रहा है, वो फिर जा रहा है, क्या हो जाएगा? এই দুটার সাথে মিশাস না কিন্তু ডান দিকটা দুটার সাথে মিশাস না বসে যায় পড়ে যায় নিজে থেকে, এই যে তার ধরে টানি রাখছি মাঝে মধ্যে কিচ্ছু না তাও পড়ে যায়, যাই না তাহলে এই যে তার ধরে আছে কখনো অন্য কিছু নড়ে যায়। رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یا نہیں؟ شرائط میں صفحہ نمبر 12 ہے، پہلے اصل مسئلہ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی۔ میں نے قرآن حدیث تفسیر عقائد کی کتاب اجماع امت سب سے گفتگو کر لی، ثابت کر دیا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور جو اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھے وہ مسلمان نہیں، یہ میں نے کتابوں سے دکھا دیا۔ اب آپ اس کو اگر چلتے ہیں، اس کے بعد میں نے یہ دکھایا کہ اس کے بعد خلاف مولانا قاسم نانوتوی نے کتاب میں لکھا، تو چونکہ شرائط ہی میں دفعہ نمبر 12 ہی میں اس بات کی اجازت ہے، لکھتے ہیں کہ پہلے اصل مسئلہ پر قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو ہوگی، اس کے بعد کسی شخصیت یا کتاب پر بحث ہوگی۔ تو میں نے شخصیت یا کتاب کو اس موضوع سے الگ ہو، میں اگر علم غیب والی بحث یہاں لے کے آتا، میلاد والی بحث یہاں لے کے آتا، قیام والی بحث یہاں لے کے آتا تو کہا جا سکتا تھا کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ رہا ہوں۔ میں نے اصل مسئلہ پر قرآن و حدیث اور اجماع امت سے کرنے کے بعد یہ دکھایا کہ دارالعلوم دیوبند کے بانی نے ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے کا انکار کیا، تو یہ حالت کسی شخصیت کی پر بھاگے ہوئی اسی موضوع سے بتا دیے کہ ان کا عقیدہ ہے، وہ میں نے بیان کیا۔ اس کو انہوں نے بار بار مولانا طاہر صاحب بیابی نے بار بار کہا کہ میں نے خط مبر کی اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے، ذرا آپ 11 نمبر شرائط ملاحظہ فرمائیے، لکھتے ہیں ہر منادی کی گفتگو میں عالمانہ سنجیدگی، اور تمہیں لوگ ملاحظہ کر گئے کیا؟ ہر منادی کی گفتگو میں عالمانہ سنجیدگی،
لکھا ہوتا۔ یہ شخصیت میں گفتگو ہو رہی ہے، میں نے ان کو نہیں کہا کہ مولانا آپ جاہل ہیں، مگر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پڑھا لکھا ہوتا۔ کیا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں؟ اگر پڑھا لکھا نہیں ہوں تو میں مراد کیسے مراد کیسے کرا؟ اسے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ انہوں نے کہا جاہلانہ کارروائی، کیا میں جا یہ الفاظ گالی کے وہ کیا یہ آلے بڑا مکان کی گفتگو ہے؟ وہ مجھ سے کہہ رہے جاہلانہ کارروائی کر رہا ہے، یہ مجھ سے کہہ رہا پردہ پھاڑ ڈالوں گا، کیا یہ سنجیو جی اور عالمانہ وقار کی گفتگو ہے؟ یہ تو پٹیالوں کی زبان بول رہے ہیں۔ بہرحال میں نے اشارہ کر دیا کہ بیٹی بانو کی طرف سے آپ نے خود ہی نپٹائے اس وجہ سے، اور آپ کے سامنے مجھے اس طرح گالیاں دی جا رہی ہیں، کیا یہ آپ کا انداز نہیں ہونا چاہیے؟ اب آئیے اصل موضوع پر۔ حضرات گفتگو یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی آخری نبی ہے کہ نہیں، موضوع یہ ہے۔ میں نے اس موضوع پر قرآن کی آیت تلاوت کی، حدیث وحی تفسیر کی عبارتیں دکھائی ہوں، اور اجماع امت سے متعلق عبارتیں میں نے دکھائی۔ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے پیارے نبی آخری نبی ہے، موضوع ثابت ہو گیا، ایک بات کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پڑھائی ہو اور اگر سارے دلائل بیان کیے جائے قضا، تو اس کے لیے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ نہیں، ایک ہی دو گھنٹے نہیں، ایک ہی موضوع پر ایک ہفتے تک ایک مہینے تک گفتگو ہو سکتی ہے۔ مقصد تو یہ بات ثابت ہو جائے تو اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، یہ ہم نے ثابت کر دیا۔ مولانا طاہر حسین صاحب بیعاوی نے بھی یہی کہا تھا کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ جو بات میں نے انہوں نے کہی تھی وہی میں نے کہی تھی اور میں نے کتابوں سے ثابت کر دی۔ البتہ بعد میں نے یہ کہا کہ مولانا طاہر بیعاوی نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے اور اس کے خلاف جو کہے وہ مسلمان نہیں کافر ہے، خود مولانا طاہر بیعاوی نے بھی یہ کہا تھا۔ تو میں نے بعد میں یہ دکھایا کہ مولانا آپ نے تو یہ کہا مگر آپ کے آپ کی جماعت کے سر پہ پانی لبن مولانا قاسم نانوی جی نے یہ لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی باقی کوئی نبی پیدا ہو تو خاتمہ پہ محمدی کا فرق نہیں آیا۔ تو یہ تو اللہ کے رسول کو آخری نبی ماننے کا انکار ہوا، یہ میں نے مجھے کہا تھا۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ صاحب ان کے الفاظ ہے کہ آپ کا بھی عقیدہ اندر سے پوچھے، میں مولانا سے گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے کسی بزرگ کی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ اللہ کے پیارے نبی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو سکتا جو ہمارا ان کے بقول اندر کا عقیدہ ہے، ہم نے چھپا رکھا ہے، تو وہ چھپا کیوں رہے وہ دکھا دیں۔ جیسے میں نے ان کے بزرگوں کا عقیدہ ان کی کتاب میں دکھا دیا چھپایا نہیں، ایسے وہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ بھی ہماری کتابوں میں اگر چھپا ہوا ہے تو وہ کھول کے دکھا دیں۔ مولانا نے اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو توصیف میں سرکار کی تعریف کو توصیف تو ہر مسلمان کا عقیدہ اور ایمان ہے، یہ کہا کہ خاتم النبیین کے بہت سے معنی ہیں۔ خاتم النبیین کے دو معنی ہوں یا چار معنی کا زمانہ اس میں نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی آخری نبی ہیں یا نہیں، موضوع اصل یہ ہے آخری نبی ہیں یا نہیں ہے، یہ موضوع ہے ہی نہیں کہ خاتم النبیین کے کتنے معنی ہیں۔ الفاظ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے یا نہیں، خاتم ایک ایک الفاظ ایک ایک معنی ہوتے ہیں، اس سے بات نہیں ہے اللہ کے رسول آخری نبی ہے یا نہیں ہے، اس سے بات ہے۔ تو میں نے اپنا عقیدہ اپنی جماعت کا عقیدہ بتایا کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، اور اسی عقیدے کا اعتراف مولانا طاہر حسین صاحب بیانی ہے بار بار اپنی تقریر میں کیا کہ اللہ کے رسول آخری نبی ہے، اور یہ بھی کہا کہ جو اللہ کے رسول کو آخری نبی نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے۔ میں نے یہ دکھایا کہ مولانا طاہر بیعاوی تو اپنا عقیدہ یہ بتاتے ہیں اور اپنے بزرگوں کا عقیدہ بھی یہ بتاتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف خود ان کے بزرگوں کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی آخری نبی نہیں ہے۔ میں نے ان کو آپ کو یہ عبارت سنائی تھی، آپ نے یہ عبارت سنائی تھی، اور پھر میں نے کمیٹی کو یہ کتاب دیکھنے کے لیے دے دی تھی۔ وہی بات ایک جگہ نہیں دو جگہ انہوں نے لکھی ہے، ایک جگہ تو لکھا بالفرض
پاڑے زمانے نبوی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آیا. یہ وہ لوگوں کا عقیدہ ہے. اور یہ بات انہوں نے ایک دوسری جگہ بھی لکھی ہے, اس سے پہلے وہ لکھتے ہیں تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ مولانا سے سب قطع لسانی ہو گئی.
आज ये रवानी में बोल रहा है तो बोलते बोलते मुजक्कर की जगह मुनस्सलक हो गया था, वो सब पतेशानी में क्योंकि बोलते बोलते तो हमको उस पर कोई हंगामा मचाना नहीं है। बहरहाल मैं कह रहा हूं कि पहले आदमी को अपना दामन देखना चाहिए, अपना दामन देख के आदमी को कुछ करने चाहिए। बहरहाल का मामला यह है कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है, और जो हमारे पैगंबर को आखिरी नबी न माने वो मुसलमान नहीं हो सकता है। मौलाना आसिफ नानोतवी जो दारुल गबन के बानी है और तमाम उलमाए जबन के सरदार है, उन्होंने हमारे नबी आखिरी नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने का इनकार किया है अपनी किताब तहजीबुन्नास में। इसलिए वो उन तमाम इबारात की रोशनी में कुछ मुसलमान नहीं थे। और ये देखिए हदीस में है, फरमाते हैं अखबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु खातमुन नबीयीन ला नबिया बादहु। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि आप आखिरी नबी हैं और आपके बाद कोई और नबी नहीं हो सकता। और मौलाना आसिफ नानोतवी ने अपनी किताब में ये लिखा और छापा, उसी किताब को ये लोग मान रहे हैं और उस लिखने वाले छापने वाले को अपना बुजुर्ग तस्लीम कर रहे हैं। जो अल्लाह के प्यारे नबी को आखिरी नबी नहीं मानता वो ऐसा शख्स इनका बुजुर्ग इनका पेशवा, और जिस किताब में लिखा कि वो नबी अल्लाह हमारे नबी आखिरी नबी नहीं है उस किताब को ये लोग सही मान रहे हैं। तो इन लोगों का भी अकीदा यही हुआ कि जो अल्लाह के प्यारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है, एक उनका किताब किताब में अकीदा यह है। और जबान से उन्होंने बयान ये किया कि अल्लाह के प्यारे नबी आखिरी नबी है। एक है जबानी बात और एक है किताब में लिखी हुई बात। दुनिया जानती है कि जबान से आदमी कहके बात कर सकता है, मगर जो कुछ किताब में जो गवर्नमेंट प्रूफ है लिखा हुआ है उससे उसको कोई छुटला नहीं सकता। तो जुबानी तो यहां मौलाना साहब गयानी बार बार ये कह रहे हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी आखिरी नबी है, मगर इनके बड़े इनके बुजुर्ग और इनके मुसलम सबूत पेशवा अपनी किताब तहजीबुन्नास में ये लिखा है कि आपके जमाने के बाद भी, और ये भी लिखा है कि इसी जमीन में कोई नबी पैदा हो जाए तो आपकी हाथियत में कोई फर्क नहीं आएगा। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि अल्लाह अगर वो हो जाए तो अल्लाह की अल्लाह उलूहियत में कोई फर्क नहीं आएगा, खुदा को हो जाए खुदा को खुदा की खुदाइयत में कोई फर्क नहीं आएगा। तो इसी वजह से उनका अकीदा यह है कि अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी पैदा हो जाए तो नबी की खासियत में फर्क नहीं आएगा। हमारे नबी जो ये कहे कि अगर वो खुदा हो जाए खुदा की खुदाई में फर्क नहीं आएगा वो भी मुसलमान नहीं, और हमारे नबी जो ये कहे कि अल्लाह के प्यारे नबी के बाद कोई नबी पैदा हो तो भी खातमे को फर्क नहीं आएगा वो भी मुसलमान नहीं। रहा लफ्ज पीर फर्ज की बात, तो जब आएगी इल्मी गुफ्तगू का मानू की बात तो मैं आपको बताऊंगा इंशाअल्लाह के पीर फर्ज के क्या क्या माना आते हैं। मैंने आपको आपकी समझ के मुताबिक मिसाल दी है कि कोई ये कहे कि बिल फर्ज तो खुदा हो जाए तो खुदा की खुदाई में फर्क नहीं आएगा, बिलफर्ज चार खुदा हो जाए तो खुदा की खुदाई में फर्क नहीं आएगा। तो क्या ये उनका सहना ये कहना गलत होगा, बिलफर्ज का सहारा ये उनका गलत होगा? मैं एक बार और मिसाल के तौर पर आप समझे इसको, मैं कहूं सैद का एक फर्ज सैद है, मैं कहूं बिलफर्ज सैद का मुंह सुअर जैसा हो जाए तो भी इंसानियत का फर्क नहीं आएगा, तो मुंह सुबोर की तरह होगा तो इंसानियत का फर्क नहीं आएगा, ये उसकी कमी नहीं हुई। हम जो कह रहे हैं कि सैद का मुंह सुबोर की तरह हो जाए, मैं किसी को नहीं कह रहा हूं, एक आम बात है सैद का पकड़ का किसी का मुंह सुबोर का तरह हो जाए, या ये कहूं कि कोई सुबोर हो जाए
की इस जमीन में कोई नबी पैदा हो जाए तो आपके खात्मे पर फर्क नहीं आएगा। ये सिर्फ धोखा देना है, फिर फर्ज कदम का सहारा लेकर वो नजर आने तक। जब अल्लाह के प्यारे नबी के बाद कोई नबी पैदा हो जाएगा तो यकीन हमारे नबी फिर आखिरी नबी नहीं रह जाएंगे, फिर जो बाद में पैदा होगा वो भी आखिरी हो जाएगा। हालांकि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना कुरान से साबित है, हदीस से साबित है, इजमाए उम्मत से साबित है, कयास से साबित है, तमाम चीजों से साबित है कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। मैं यहाँ फिर पलट कर रहा हूँ, मौलाना ने कहा था कि लफ्ज खातम के बहुत से माना है, ठीक है बहुत से माना है, खातम के माना है सारे नबी का सरदार, आखिरी नबी ये भी नबी, मगर ये कहना कि खातम के माने आखिरी नबी नहीं, जबकि तमाम अहादीस में इजमाए उम्मत में और अल्लाह ताला की किताब कुरान करीम की तफसीर में खातम नबी का माना यही बताया गया, आखिरी नबी जिसके बाद कोई नबी पैदा नहीं होगा। मगर यही मौलाना कासिम नानुतवी अपनी इसी किताब के शुरू में, ये जहां से किताब शुरू हुई है इसी किताब में लिखते हैं, अवाम के ख्याल में, अवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह का खातम होना वही माना है, खातम का माना बयान कर रहे हैं कि आपका जमाना अंबियाए साबित के जमाने के बाद और आप सब में आखिरी नबी है, आखिरी नबी है। ये किसका ख्याल हुआ? आवाम का। मगर अहले फहम पर, समझदारों पर रोशन है, यानी जो लोग अल्लाह के नबी को आखिरी नबी मानते हैं वो अहले फहम नहीं है, समझदार नहीं है, वो आवाम है। अहले फहम पर रोशन होगा कि तकद्दुम यानी आगे होना या ताखुर पीछे होना, पहले पैदा हुए या बाद में पैदा हुए, जमानी में यानी अगर नबी आगे पैदा हुए या बाद में पैदा हुए, जात कुछ फजीलत नहीं है, यानी नबी की आखिरी आखिरी नबी होने में जात कुछ फजीलत नहीं है, ये इनके नजदीक है समझदारों के नजदीक, और आवाम जो ना समझ है, ना समझ तो जाहिर होगा, ना समझ लोगों के नजदीक इसका माना क्या है, आखिरी नबी। तो अल्लाह ने बताया कुरान करीम ना खातम नबी, और अल्लाह के प्यारे नबी ने उसका माना बताया आखिरी नबी, और सहाबा ने बताया आखिरी नबी, ताबईन ने बताया आखिरी नबी, तबे ताबईन ने बताया आखिरी नबी, तारू इमामों ने बताया आखिरी नबी, पूरी दुनिया के मुसलमान जानते इसका माना आखिरी नबी, और वो कह रहे हैं कि जो इसका माना आखिरी नबी कहता है वो समझदार नहीं है। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के साथ तमाम इमामों को, ताबईन को, तबे ताबईन को, सहाबा को, खुद अल्लाह के नबी को उन्होंने आवाम माना, जाहिर माना, ना समझ माना, ये अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में खुली की गुस्ताखी है, और कुरान करीम के इस लफ्ज का इनकार है, इसलिए कि लफ्ज का इनकार सिर्फ लफ्ज के इनकार से नहीं होता है, माना के इनकार से भी हो जाता है। कोई कहे कुरान करीम में आया अकीमुस्सलाह, मगर उसका माना नमाज नहीं है, वो कुरान करीम के अकीमुस्सलाह का इनकार कर रहा है, नमाज को फर्ज नहीं मान रहा है। ऐसे ही मेरे भाई, वो सिर्फ लफ्ज खातमुन नबी मानने से नहीं होगा, खातमुन नबी का माना जो है आखिरी नबी, आखिरी पैगंबर, वो मानना जरूरी है। और इन हजरात के मौलाना साहिब साहब गयाबी के सरखेज तमाम सबसे बड़े बुजुर्ग आलिम मौलाना, जिन्होंने दारुल जबन को ये हजरात के बखौल बनाया, उन्होंने लिखा कि आवाम के ख्याल में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को का खातम होना वही माना है कि आपका जमाना अंबियाए साबित के जमाने के बाद और आप सब में आखिर नबी है। मगर अहले फहम पर समझदारों पर रोशन होगा कि तकद्दुम या ताखुर जमाने में यानी बाद में आखिरी नबी हो जाए, इसमें बिजात कुछ फजीलत नहीं है, अल्लाह के रसूल आखिरी नबी है और इसमें फजीलत नहीं है। हम अहले सुन्नत के नजदीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना बड़ी फजीलत की बात है कि मेरे नबी आखिरी नबी है,
अब और कोई नबी नहीं होगा जो नबी आए, जो नबी आए इस दुनिया में, फिर उसके बाद दूसरे नबी आए और दुनिया से चले गए, तो उनकी नबूवत का जमाना खत्म हो गया। इस एतबार से जब उनके आकाम नाफिक नहीं होंगे, मगर हमारे नबी जब आए तो उस वक्त से लेकर क़यामत तक मेरे ही नबी का सबका चलता रहेगा और मेरे ही नबी के आकाम जारी रहेंगे। ये बड़ी फजीलत की बात है। मगर वो कह रहे हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना कोई फजीलत की बात नहीं है। जो समझदार है वो अल्लाह के नबी को आखिरी नबी नहीं मानेगा। जो जाहिल होगा, ना समझ होगा, अवाम होगा, वही अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें वो चाहे जाहिल कहे, हमें वो चाहे आवाम कहे, हमकी हमारी क्या बात है। जब उन तमाम लोगों को जो अल्लाह के प्यारे नबी को आखिरी नबी मानते हैं वो आवाम और ना समझ करा दे रहे, जिनमें तमाम बुजुर्गाने दीन, तमाम अइम्मे किराम, ताबईन, तबे ताबईन, सहाबा, बल्कि खुद अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पूरी आवाम कह दिया है। इसलिए अल्लाह के नबी ने इज्जत आदमी नबीन का माना क्या समझा आखिरी नबी। तो जो लोग भी इसका माना आखिरी नबी समझ रहे हैं उनके नजदीक को आहले फन नहीं है, वो आवाम है। तो अगर हमें वो जाहिर कहें, हमें वो ना समझ कहें, हमारी कार्रवाई को जाहराना कार्रवाई कहें, तो क्या शिकायत है। बहरहाल मेरे मुसलमान भाइयों, कुरान करीम से साबित हुआ, कुरान करीम से साबित हुआ कि हमारे नबी आखिरी नबी है। और आदि के पास से साबित हुआ कि हमारे नबी आखिरी नबी है। और तफसील की किताबों से साबित हुआ कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। और आयत की किताबों से साबित हुआ कि हमारे नबी आखिरी नबी है। और हमारे मुद्दे मुताबिक मौलाना साहिब बयानी ने भी इतराज किया और ये कहा कि अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद आखिरी नबी नहीं थे। हमारे अकीदे के साथ साथ उन्होंने अपना भी अकीदा ये बताया कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को आखिरी नबी नहीं माने वो मुसलमान नहीं है। हालांकि उन्हीं के बुजुर्ग मौलाना हाकिम नानूतवी ने अल्लाह के रसूल को आखिरी नबी नहीं माना और उनको अपना बुजुर्ग भी मान रहे हैं। जिस किताब में अल्लाह के नबी को आखिरी नबी नहीं माना उस किताब को ये लोग तस्लीम भी करते हैं, सहेजी करार देते हैं, फिर से जावी बनाते हैं। तो जो अकीदा मौलाना कासिम नानूतवी का हुआ कोई अकीदा इन हजरात का हुआ, जो हुक्म उनका है वही हुक्म उनका है। अवाम मुसलमान जो बेचारे चाहे वो जो बंदी कहलाते हो, बरेली कहलाते हो, इनका यह अकीदा नहीं है। और जो इन किताबों को देखकर समझकर सही नहीं मानता है उनके बारे में यह अहकाम नहीं है। जो इन किताबों को देखकर समझकर सही मानता है उन सबसे अहकाम यही है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत यानी आखिरी नबी होने के ये लोग मुनकिर हैं और हमारे नबी को आखिरी नबी नहीं मान रहे हैं। हम लोग अपने प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मान रहे हैं। यही वजह है कि चूंकि ये लोग अल्लाह के प्यारे नबी को आखिरी नबी नहीं मान रहे हैं, इसलिए आज की तस्वीर में असर इब्ने अब्बास का सहारा ढूंढ रहे हैं कि ताकि कहीं साबित हो जाए कि किसी तरह से भी अल्लाह के नबी की बात नबी आ सकता है। दूर दराज से घुमा फिरा देती, इसीलिए उन्होंने कहा था कि इस जमीन में नहीं किसी और जमीन में, मगर वो तो किसी और जमीन की बात कर रहे थे। उनके जो बुजुर्ग हैं उन्होंने साफ सराहन खुल के कह दिया कि इसी जमीन में पैदा होता है नया नबी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके नजदीक फर्क पड़े न पड़े हमारे नजदीक फर्क पड़ जाएगा, इस्लामी अकीदे में फर्क पड़ जाएगा। जो नया नबी आने का कायल हो जाए वो हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता, वो किसी कीमत पर मुसलमान नहीं होगा। मुसलमान वही है जो अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता हो। हम अहले सुन्नत व जमात बरेली तबके के लोगों का अकीदा यह है कि हमारे नबी आखिरी नबी।